गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। मैं बेटा जी आपका मयंक सर। आज वाले इस लेक्चर में बच्चों अपन स्टडी करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर की एनसीईआरटी से। पाचन और अवशोषण वाला जो बच्चों चैप्टर है उसको अपन एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन समझते हुए बच्चों रीडिंग लगाएंगे। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठ जाएं, वही पेन पेंसिल मार्कर साथ ले लें। इंपॉर्टेंट लाइन को वर्ड टू वर्ड समझते हुए बच्चों अपन आगे चलेंगे। बिल्कुल करें आपके लिए स्टार्ट। तो बच्चों ये जो अपने 11th एनसीईआरटी का 16 चैप्टर है, 16वां पाचन और अवशोषण। एक चीज़ बच्चों देखना कि जैसे ही एनसीईआरटी में कोई भी नई यूनिट स्टार्ट होती है बच्चों, उस यूनिट के पहले किसी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी जब अपन रीडिंग लगाते हैं ना, तो उसमें से अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, सब पढ़ना है बच्चों। इस साइंटिस्ट बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एक बार, रामचंद्रन प्लॉट, हाँ प्रोटीन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसका क्वेश्चन आया था। बहुत से लोगों ने कहा था ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसे है वैसे बाहर का आ गया, लेकिन बेटा जी वो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड था। जैसे ये फिजियोलॉजी के पहले अल्फांसो कोर्टी नामक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, वैसे वो भी यूनिट स्टार्ट से पहले उन रामचंद्रन साइंटिस्ट के बारे में बता रखा था। इनको भी अपने को रीडिंग लगानी है। मैं लगा देता हूँ बच्चों रीडिंग, अपन साथ साथ पढ़ते हैं। तो अल्फांसो कोर्टी को इटालियन साइंटिस्ट है बच्चों, तो इटालियन शरीर क्रिया वैज्ञानिक अल्फांसो कोर्टी वो आपने बच्चों रिसेप्टर ईयर में पढ़ते हैं ना अपन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, कोर्टी के अंग, इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए, का जन्म 1822 में हुआ। कोर्टी ने अपना वैज्ञानिक जीवन सरीसृपों के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से प्रारंभ किया था। तो बेटा जी इन्होंने स्टार्ट में जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उन पर स्टडी की। फिर इन्होंने अपना ध्यान मैमल्स के श्वसन तंत्र की ओर केंद्रित किया। और ये बच्चों 1951 नहीं, यहाँ अपन पढ़ेंगे 1851, ये छोटा सा करेक्शन है। 1851 में इन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें कोकलिया की आधार झिल्ली पर स्थित संरचना में समाहित रोम कोशिकाओं की व्याख्या की। कोकलिया जो बच्चों अंतःकरण का भाग है, जिसमें जो बैसिलर मेम्ब्रेन होती है ना, आधारी झिल्ली, इसके ऊपर ये रोम कोशिकाएं होती है, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जिसको अपन कहते हैं, जो ध्वनि कंपनों को तंत्री की आवेगों में परिवर्तित कर देती है, इन्हीं को क्या नाम दिया? कोर्टी के अंग कहा। इनका देहांत 1888 में हुआ। क्लियर? तो ऐसे जो साइंटिस्ट के बारे में दे रखे हैं बेटा जी, वो अपने को रीडिंग लगानी है और मैं भी आपको इन पॉइंट की रीडिंग लगाते रहेंगे अपन साथ साथ। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, पाचन और अवशोषण। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा जी ह्यूमन फिजियोलॉजी का। नीट में इस चैप्टर से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम कितने? दो क्वेश्चन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से। तो इस चैप्टर में बच्चों अपन डिस्कस करेंगे कि भाई जो खाना अपन खाते हैं, या यूं कहें तो फूड अपन क्यों लेते हैं, तो सीधी सी बात है बच्चों, ऊर्जा उत्पादन के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए भोजन अपन ग्रहण करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, एटीपी बनेगी। अब वो जो खाना आप लेते हो बच्चों एज इट इज़ वो भोजन काम में नहीं आता, पहले भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। भोजन के पाचन के बाद उस पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, फिर वो सेल्स तक ट्रांसफर होता है। वो सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में बच्चों डिस्कस करेंगे। चलो, तो भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। बोलते हैं ना बेटो जी, रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी भोजन की बात हो रही है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। अब देखो बच्चों, जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं उसमें दो प्रकार के पोषक तत्व आपको बता रखे हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, एक माइक्रो। ध्यान आया? मैक्रो का मतलब दीर्घ पोषक तत्व है, जिनकी मात्रा ज़्यादा हो बच्चों वो मैक्रो कहलाएंगे। और मैक्रो में तीन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और माइक्रो में बच्चों वो आते हैं जिनकी मात्रा कम होती है, मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन जो आगे, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं या तो सूक्ष्म पोषक तत्व है, वही बता रहा है। तो हमारे भोजन के मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। उसमें से भी बच्चों ध्यान रख लेना, जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 60% होता है सबसे ज्यादा, और 60% कार्बोहाइड्रेट अगर है उसको अपन बच्चों क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोल देते हैं, तो संतुलित आहार।
अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। तो ये सूक्ष्म मात्रिक होते हैं विटामिन और खनिज लवण। भोजन से ऊर्जा और कई कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत में काम आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, देखो पहली चीज भोजन से, एक चीज तो ऊर्जा, सबसे पहले ऊर्जा का स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तब बेटा जी नंबर किसका लगेगा? फैट का। और ये जो लिखा ना वृद्धि और उत्तकों की मरम्मत का कार्य, ग्रोथ और रिपेयरिंग का भी काम करता है। अब बच्चों जो वृद्धि और मरम्मत का काम है ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोटीन की। तो वृद्धि और मरम्मत की बात आए तब जिम्मेदार प्रोटीन है। ऊर्जा उत्पादन में मेन रोल किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा। चलो आगे, जो जल हम ग्रहण करते हैं वह उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और शरीर को निर्जलीकरण से रोकता है। पानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। और बच्चों पानी अगर बॉडी में प्रॉपर है तो डिहाइड्रेशन को रोकेगा, निर्जलीकरण को रोकता है। तो पानी की कमी होती उसी को तो आप क्या बोलते हो? डिहाइड्रेशन। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा वो बच्चों अपन पढ़ते हैं। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकता। तो जैसे जो भोजन आपने लिया है एज इट इज, वो प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट काम में नहीं आएंगे। पहले बच्चों उनको क्या किया जाएगा? सरल भागों में तोड़ा जाएगा। वही बात आ रही है। अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की इसी क्रिया को पाचन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाया। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। यांत्रिक और रासायनिक। अब यांत्रिक में बच्चों देखो, यांत्रिक तो होता है बिना एंजाइम के। दो आता ना पाचन बच्चों, एक तो मैकेनिकल और एक केमिकल। यांत्रिक ऐसा पाचन है जिसमें एंजाइम का योगदान नहीं होगा। और रासायनिक विधियां बच्चों वो है जो पाचन एंजाइम की सहायता से हो, जैसे मुख गुहा में लारी एमाइलेज, पेप्सिन, आगे आमाशय में कई अपन एंजाइम पढ़ेंगे। तो अगर पाचन एंजाइम की सहायता से होता हो तब बेटा जी वो क्या कहलाएगा? केमिकल। बिना एंजाइम के होता हो उसको हम क्या बोल देंगे? यांत्रिक या तो मैकेनिकल। कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या मुझे बिना एंजाइम के पाचन? बिल्कुल, दांत द्वारा होता ना बच्चों, मुख गुहा में दांत द्वारा पाचन, ये यांत्रिक पाचन होता है। क्या दांत कोई एंजाइम रिलीज करते हैं? नहीं करते। तो वो पाचन कैसा हुआ? यांत्रिक हुआ। इसके अलावा बच्चों बाइल जूस द्वारा, पित्त रस द्वारा जो पाचन होगा, आगे पढ़ेंगे अपन, पित्त रस में भी कोई एंजाइम नहीं होता। तो बिना एंजाइम के होने वाली पाचन क्रिया क्या कहलाएगी? यांत्रिक कहलाएगी। चलो आगे, नेक्स्ट पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के पाचन तंत्र बच्चों आहार नाल और सहायक ग्रंथियों का बना है। सहायक ग्रंथियों को अपन बोल देते हैं पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है। आहार नाल जिसको अंग्रेजी में एलिमेंट्री कैनाल बच्चों बोलते हैं अपन, और इसी का एक और वर्ड याद रख लियो आहार नाल के लिए बेटा जी, एक GUT गट वर्ड भी आता है, GUT भी टर्म अपन यूज करेंगे किसके लिए? एलिमेंट्री कैनाल के लिए। तो आहार नाल अग्रभाग में मुख से प्रारंभ होकर पश्च भाग में स्थित गुदा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। एलिमेंट्री कैनाल अपने में कंप्लीट है, माउथ से लेकर एनस तक है बच्चों। मुख गुहा में खुलता है, तो माउथ जो है आप भोजन बच्चों ग्रहण करोगे तो मुख गुहा हो गई ना, माउथ कैविटी, बकल कैविटी। मुख गुहा में कई दांत और एक पेशीय जीवा जीभ होती है। तो मुख गुहा में दांत है, जीभ बच्चों इसमें प्रेजेंट है। प्रत्येक दांत जबड़े के बने एक सांचे में स्थित होते हैं। इस तरह की व्यवस्था को गर्त दंती थीकोडोंट कहते हैं। ध्यान आई बच्चों, अपने जो दांत होते हैं ना वो जबड़े के ऐसे जो खांचे सांचे बने होते हैं उनमें ये दांत लगे रहते हैं, और ऐसी व्यवस्था को क्या बोलेंगे? गर्त दंती। जबड़े के गर्त में धंसे रहते हैं वो गर्त दंती कहलाए। मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारियों के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। पहले अस्थाई दांत अथवा जिनको हम दूधिया दांत कहते हैं बच्चों, जो वयस्क में स्थाई दांतों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और इस तरह की व्यवस्था को क्या कहा? द्विबार दंती। दांतों वाला याद रख लेना। तो दांत जीवन काल में दो बार आए, पहली बार बच्चों कौन से आएंगे?
दूधिया दांत आएंगे, मिल्की टीथ। बाद में कौन से आएंगे? परमानेंट या एडल्ट टीथ। तो वो बार आए, इसलिए हमने इनको क्या कहा? द्विबारदंती या तो डाइफायोडोंट। अब इनके नंबर याद रख लेना बच्चों, मिल्की टीथ भी याद रख लो कि जो दूधिया दांत है, टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं, अस्थाई दांत। अब इनकी नंबर, इनका जो फॉर्मूला है वो ये याद रख लेना आप, 2102 याद रखियो, क्वेश्चन पूछे गए नीट में, एनसीईआरटी में तो एडल्ट टीथ का ही दे रखा है। 2102 ध्यान है बेटा जी, सबसे पहले इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दूधिया दांत की टोटल नंबर कितनी होती है? 20 आता ना फॉर्मूला, 2, 4 ऐसे करके अपन कर लेंगे। और मिल्की टीथ में बच्चों देखो जीरो लिखा है ना, जीरो का मतलब मिल्की टीथ में कौन से टीथ एब्सेंट होंगे? प्रीमोलर, मोलर। ये नीट में कई बार आ रखा है। तो दूधिया दांत जो होते हैं उनमें प्रीमोलर अग्र चवर्णक दांत अनुपस्थित होते हैं, जीरो का मतलब एब्सेंट। ये मिल्की टीथ का फॉर्मूला याद रख लियो, एडल्ट टीथ का तो दे रखा है अपने एनसीईआरटी में। चलो आगे इस डायग्राम पे आते हैं बाद में। तो ये दांत डाइफायोडोंट द्विबारदंती कहलाए क्योंकि जीवन काल में कितनी बार आए? 2 बार आए। वयस्क मनुष्य में 32 स्थाई दांत होते हैं जिनमें 4 प्रकार आ गए। पहला इंसीजर, कृंतक, इसको आई से लिखोगे, रदनक सी, अगर चवर्णक पीएम और चवर्णक एम, एम बोले तो मोलर। ये आगे ऊपरी और निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था इसी क्रम में बच्चों आई से पीएम एम क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है। और मनुष्य के लिए दंत सूत्र कितना दे रखा है? 2, 1, 2, 3। तो देख लो ऐसे होता है बच्चों, 2, 1, 2, 3 एडल्ट के रेफरेंस में, और अभी अपन ने मिल्की टीथ का बताया था 2, 1, 0, 2। ये जबड़े के आधे भाग के दांत होते हैं बच्चों, इनको ऐसे लिखते हैं देखो, जैसे अपना मान लो ऊपरी जबड़ा है, ऊपरी जबड़े को दो आधे भाग में डिवाइड कर दिया, ऐसे बीच में से ऊपरी जबड़े के दो अर्ध भाग बता दिए। अब जब फॉर्मूले में दांत लिखेंगे ना तो आधे भाग के टीथ के नंबर लिखेंगे, जैसे इधर वाले भाग के दांतों की संख्या लिख ली 2, 1, 2, 3। अब दूसरे आधे भाग में कितने दांत है उसे काउंट करने के लिए इसे बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 2 से। अरे बात समझ आई गया, एक साइड के आधे भागों के ऊपरी जबड़े के भी दो आधे भाग कर लिए, एक साइड के दांतों की संख्या लिख ली, और जितने दांत इस तरफ है उतने दांत बच्चों दूसरी तरफ होंगे, तो दूसरी तरफ के दांत को काउंट करने के लिए मल्टीप्लाई उससे कर दो, किससे? 2 से। यही सेम चीज निचले जबड़े के साथ कर ली जाएगी। तो इस फॉर्मूले से जब बच्चों अपन चेक करेंगे तो देख लो 2 × 2, ये दांत कितने हो गए? ये आ गए ऐसे 4 + 2 + 4 + 6, ऐसे ही आ गया 4 + 2 + 4 + 6। तो 16 दांत ऊपरी जबड़े में और 16 निचले जबड़े में, टोटल हम कितने बता देंगे? 32। और इस फॉर्मूला से एक चीज और ये भी बच्चों सामने आ रही है कि अपने में सबसे ज्यादा दांत कौन से हो गए, सबसे ज्यादा दांत सर्वाधिक संख्या में ये रहे मोलर, 6 + 6 कितने? 12। तो मोलर अपने में सबसे ज्यादा, और सबसे कम बच्चों दांतों की पूछा जाए तो ये रहे 2 + 2 = 4। 4 कौन से दांत हुए? कैनाइन हुए, रदनक हुए। तो सबसे कम कैनाइन, सबसे ज्यादा मोलर। क्लियर? ये डेंटल फॉर्मूला से समझ में आ रहा है, इसको दंत सूत्र बच्चों कहा जाता है। चलिए आगे, तो इनेमल से बनी, ये भी अंडरलाइन कर लेना, दांतों की चबाने वाली कठोर सतह भोजन को चबाने में मदद करती है। तो दांत के ऊपर जो चबाने वाली सतह है बेटा जी, उसको हम क्या कहेंगे? इनेमल कहेंगे। इनेमल याद आया गया, याद रख लेना, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ बेटा जी कौन हुआ? इनेमल हुआ, हार्डेस्ट सबस्टेंस, सबसे कठोरतम, वो दांत की ऊपरी चबाने वाली सतह बनाता है। जीव स्वतंत्र रूप से घूमने योग्य एक पेशी अंग है, अंडरलाइन, जो फ्रेनुलम द्वारा मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। तो जीव बच्चों पेशी अंग है, गतिशील है, अंदर बाहर आप जीव को ला सकते हो, पेशियां हैं तभी तो गति होती है। अब बच्चों जब जीव को अपन ऊपर उठाएंगे, जीव को जब आप ऊपर उठाओगे तो जीव के नीचे एक झिल्ली ऐसे मेम्ब्रेन सी दिखाई देगी, उस झिल्ली नुमा संरचना को ही क्या नाम दिया है? फ्रेनुलम कहते हैं। वो जीव को मुख्य गुहा के आधार से जोड़ती है, वो क्या है? फ्रेनुलम है। और जीव को वैसे तो अंग्रेजी में बेटा जी टंग बोलते ही अपन,
उसके अलावा एक और नाम बच्चों जीभ के लिए यूज किया जाता है, लिख सकते हो लिंगुआ और ग्लोसा, ये भी टंग के अनदर नेम है जीभ को, लिंगुआ, लिंगुअल वर्ड भी आएगा एक, वाएगी सलाइवरी ग्लैंड सब लिंगुअल, और ग्लोसा जो वर्ड है वो भी जीभ के लिए यूज किया जाएगा। चलो, जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उबार के रूप में पेपिला, जिनमें कुछ पर स्वाद कलिकाएं होती है, स्वाद कलिकाएं। अब जीभ का काम क्या है बच्चों, स्वाद के बारे में बताता है, स्वाद ग्राही अंग है, तो जीभ पर वो स्वाद कलिकाएं, स्वाद अंकुरक होते हैं, वैसे तो स्वाद अंकुरक होते हैं, स्वाद अंकुरक के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में बताती है। अब जैसे ये याद रखना चाहो ना बेटा जी, तो ऐसे होते हैं कि जैसे अपनी ये जीभ है, ये जीभ का मान लो अग्रभाग है, ये जीभ की पश्च सतह है। अब जो चार मेन टेस्ट है उसके बारे में बता दूं, जीभ की जो अग्र वाला पार्ट है इसमें तो बेटा जी स्वीट टेस्ट की कलिकाएं होती है, मीठे स्वाद की कलिकाएं सबसे आगे, और जो जीभ का बिल्कुल पश्च भाग होता है पीछे वाला, यहाँ बीटर, बीटर माने कड़वा टेस्ट जो होता है उसकी कलिकाएं जीभ के पश्च भाग पर होती है। ठीक ऐसे ही अग्र पार्श्व बच्चों सॉल्टी टेस्ट, नमकीन स्वाद की कलिकाएं, और बिल्कुल यहां पश्च भाग पर इस जगह सावर टेस्ट, खट्टे स्वाद की कलिकाएं। तो जीभ के अलग अलग भाग पर स्वाद कलिकाओं की पोजीशन लोकेशन। चले आगे, चलो मुख, मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा बच्चों आगे खुलेगा फेरिंग्स ग्रसनी में। तो मुख गुहा एक छोटी ग्रसनी में खुलती है जो वायु और भोजन दोनों का ही मार्ग है, ध्यान, ग्रसनी बच्चों, ग्रसनी से वायु और भोजन दोनों ही आता है, याद है आपको। जैसे मैं थोड़ा सा एक सिंपली डायग्राम से आपको समझा दूं कि जैसे ये बेटा जी फेरिंग्स अपन बताते हैं ना, फेरिंग्स जो है ये तो मान लो बच्चों यहाँ जो पेयर्ड पोर है ये तो अपने नोस्ट्रिल हो गए, नासारंधर मान लिया, ये दो नोस्ट्रिल है ना, ये नोस्ट्रिल हो गए मान लो, नोस्ट्रिल से फिर बच्चों आगे आता है नासा कक्ष, इसको बोल दिया नेजल चैम्बर, ये मान लो माउथ है, नासा कक्ष के नीचे ये माउथ कैविटी है, मुख गुहा। अब बच्चों देखो मुख गुहा ये फेरिंग्स है, तो फेरिंग्स में मुख गुहा से भोजन भी आएगा और नासा कक्ष नाक से जो आप हवा ग्रहण करोगे वो भी कहां से जाएगा, इस फेरिंग्स वाले पार्ट से जाएगा। तो ग्रसनी जो है वो भोजन और वायु दोनों का पार्ट बनाती है, और यहां बेटा जी दो आगे रस्ते या पोर मान लो, एक वाले रंध्र को तो बोलते हैं ये ग्लोटिस कहलाता है, सॉरी गलेट कहलाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं निगलन द्वार, और इधर वाला बच्चों ये कहलाएगा ग्लोटिस, ग्लोटिस को हिंदी में नाम देंगे घांटी द्वार, ये लो ये दो स्ट्रक्चर, तो गलेट और ग्लोटिस, ये बच्चों फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स वाला पार्ट है, ग्रसनी है। तो ग्रसनी में देखो भोजन भी आ रहा है, माउथ कैविटी से फूड आ रहा है और नेजल चैम्बर नासा कक्ष से हवा आ रही है, दोनों इसी ग्रसनी में से गुजरेगी। अब हवा और भोजन को किस तरफ जाना है बच्चों वो आगे डिसाइड होगा। देखो अब जो फूड आ रहा है भोजन को तो किधर भेजना है, इस गलेट, नाम ही इसका क्या है निगलन द्वार, ये निगलन द्वार जो गलेट है बेटा जी वो आगे खुलेगा इसोफेगस या तो ग्रसिका में, वो आगे कहां खुलेगा, वो आगे खुलेगा इसोफेगस या तो ग्रसिका में, ये मान लो इधर है ये इसोफेगस, इसके आगे बच्चों ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगी इसोफेगस। तो माउथ, माउथ कैविटी से जो भोजन फेरिंग्स में आया वो भोजन फेरिंग्स से कहां चला जाएगा, इस गलेट से होता हुआ इसोफेगस, ग्रसिका में गया, और जो हवा बच्चों आ रही है नासा कक्ष से वो ग्लोटिस, और ग्लोटिस का एक ढक्कन होता है इसको बोलते हैं एपी ग्लोटिस, घांटी ढक्कन, और इससे फिर आगे बच्चों वो क्या खुलेगा, लैरिंग्स और ट्रेकिया खुलता है, ये सांस की नली क्या कहलाएगी, ट्रेकिया, समझ गए ना आप। तो एक बच्चों ग्लोटिस है, एक गलेट है। तो जब अपन भोजन निगलते हैं, ये भी चीज भी समझ लेना, भोजन निगलते समय बच्चों ये जो ग्लोटिस वाला पार्ट है थोड़ा ऊपर आएगा और ये जो एपी ग्लोटिस है वो इस ग्लोटिस को ढक देगा। ग्लोटिस बंद होने का बेनिफिट ये हुआ कि जो भोजन के कण है बच्चों वो किस में जाएंगे, वो गलेट में चले गए निगलन द्वार में, वो इस ग्लोटिस में ट्रेकिया में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रेकिया ब्लॉक नहीं होगा।
तो भोजन निकलते समय ग्लोटिस ऊपर आया, एपिग्लोटिस उसको ढक लेगा ताकि भोजन के कण किस में चले जाएं, गलेट, और गलेट से कहां चले गए, ग्रशिका में। क्लियर बात। तो ये जो फेरिंग्स वाला पार्ट है इसमें से फूड और एयर दोनों पास होगी। क्लियर। जैसे इसको थोड़ा सा और क्लियरिफाई करके मैं समझा दूं, एक ये वाला पोर मान लो, एक बेटा जी इधर दो है ये ना, ये वाली साइड में तो जो आगे ट्यूब आई इसको मैं बोलूंगा इसोफेगस, ग्रशिका। इधर वाला ये जो है ये लेरिंग्स, और लेरिंग्स से फिर ट्रेकिया होता है। हालांकि इसकी साइज ट्रेकिया वाले की छोटी रखेंगे अपन ये, और इसके ऊपर यहां ये कहलाएगा एपिग्लोटिस, उपास्थि, कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर। ये ट्रेकिया है, सांस की नली, वो इसोफेगस है। तो फूड पार्टिकल तो इसमें आएंगे ना, गलेट से इसोफेगस में, और ये ग्लोटिस है, ग्लोटिस का ढक्कन क्या कहलाया, एपी ग्लोटिस। तो भोजन के जो कण है ये मान लो बच्चों फूड पार्टिकल है, उन्हें इस पोर में भेजना है, वो फूड पार्टिकल इधर नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ग्लोटिस ऊपर होगा तो एपी ग्लोटिस उसको ढक देगा। क्लियर है फंडा? चलो क्लियर है तो आगे चलते हैं फिर। तो ग्रसनी भोजन और वायु दोनों का एक सामान्य मार्ग बनाता है। घांटी ढक्कन भोजन को निगलते समय श्वास नली में प्रवेश करने से रोकेगा। घांटी ढक्कन क्या है? एपिग्लोटिस है बेटा जी, एपिग्लोटिस का ग्लोटिस का ढक्कन हो गया एपिग्लोटिस। और किसका बना है? कार्टिलेज का, उपास्थि का। याद रख सकते हो कौन सी उपास्थि है? इलास्टिन कार्टिलेज। कौन सी है बेटा जी? इलास्टिन, प्रत्यास्थ उपास्थि। दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इलास्टिन कार्टिलेज के, एक तो एपिग्लोटिस, एक आपका ईयर पिन्ना, ये लो इलास्टिन है। एक टिप ऑफ नोज, नाक की नोक, ये सब प्रत्यास्थ होती है बच्चों, इसलिए हम इनको इलास्टिन कार्टिलेज बोलते हैं। चलो ग्रसनी आगे देखो किसमें खुली बच्चों, ग्रसनी अब खुलेगी ग्रशिका में। तो ग्रशिका इसोफेगस एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्यपट से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलेनुमा आमाशय में खुलती है। मध्यपट ये डायफ्राम है, तो जो इसोफेगस है वो गर्दन से होती हुई आगे चलेगी, अपने वक्ष भाग से होती हुई ये डायफ्राम को भेद के बेटा जी किस में खुलेगी? आमाशय में। तो गर्दन, वक्ष भाग, फिर डायफ्राम को भेद कर आमाशय में जो बाई ओर होता है बच्चों, है ना, बाई ओर लेफ्ट साइड में। अब आमाशय की बात करते हैं जो इंग्लिश में जे आकार का है। ग्रशिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। देखो बच्चों क्या है, आमाशय ग्रशिका अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधिनी को अंग्रेजी में बोला जाता है स्फिंक्टर। अवरोधिनी एक तरह से कपाट बच्चों, भोजन को आने तो देगा लेकिन भोजन को वापस जाने नहीं देती, भोजन के पुनः प्रवाह को रोकती है। अभी इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। आमाशय गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है, उधर गुहा में, उधर गुहा डायफ्राम के नीचे, उधर गुहा इसके बाईं तरफ, दाईं तरफ लीवर आएगा बच्चों। आमाशय के मुख्यतः तीन भागों में है बच्चों, तीन की जगह चार भाग आ गए हैं, नई वाली एनसीईआरटी में चार भाग बता दिए। जठरागम भाग जिसमें ग्रशिका खुलती है, फंडस, बॉडी और जठर निर्गम, देखो चार दे रखे हैं टोटल। जठर निर्गम भाग, इसको बच्चों पाइलोरिक वर्ड भी यूज करते हैं, जठर निर्गम क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। और ये आगे फिर छोटी आंत में खुल जाएगा। चलो अभी इसके डायग्राम से समझते हैं। पहले बच्चों एक दांत वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, टिथ वाला, एक और हनु जबड़े को बोलते हैं। तो जबड़े में बच्चों ये देख लो, सबसे आगे ये तो इंसाइजर है, कृंतक, रदनक है, अगर चवर्ण को प्रीमोलर बोल दो, चवर्ण क्या कहलाए? मोलर कहलाए। हनु गर्तिकाएं, जबड़े के गर्त है जिसमें दांत धंसे रहते हैं। अब जबड़े भी बच्चों दो होते हैं ना, अपर जा और लोअर जा, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। तो बेटा जी आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा जबड़ा गतिशील होता है, अपर की लोअर, गति किसमें होगी? अपर, सही बोला गया। अरे अपर तो फिक्स होता है, लोअर जा बच्चों गति करता है। अपर जा को हमने क्या नाम दिया? ऊपरी जबड़ा कहलाया मैग्जीला, और निचले जबड़े को क्या कहते हो? रे मैंडीबल। निचला जबड़ा क्या कहलाएगा? मैंडीबल। तो ये जो मैग्जीला है बच्चों अपर जा होता है फिक्स, और लोअर जा होता है मूवेबल, गतिशील। तो जब अपन मुंह हिलाते हैं ना तो निचला जबड़ा गति करेगा, ऊपरी जबड़े में गति नहीं होगी। क्लियर बात है? चलो क्लियर है तो चलें आगे।
अब बच्चों मैं स्टमक का डायग्राम ये देखो इसी से समझ लेते हैं अपन, छोटा सा करेक्शन भी है इस डायग्राम में। आमाशय का बच्चों जो डायग्राम दे रखा है, पहला करेक्शन तो ये देखो यही है, एक और हनु में विभिन्न प्रकार, ये वो ऊपर वाला डायग्राम का जो दे रखा था वही डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख दिया, ये करेक्शन है। यहाँ ये है आमाशय का स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, आमाशय की संरचना। स्टमक का बेटा जी एक नाम और होता है, इसको गैस्टर भी बोलते हैं, हिंदी में एक शब्द आता है जठर, आमाशय को क्या कहते हो, जठर कहते हो, जी आकार की संरचना। अब देख लो ग्रसिका खुल रही है आमाशय में, अब इसमें भी करेक्शन बच्चों, ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको जठराग्रम को काट करके ये फंडस पार्ट है, ये आमाशय का फंडक, ऊपर वाला पार्ट फंडिक है, और जहां फंडस लिखा है ये जठराग्रम है, अंग्रेजी में इसको कार्डिक बोलते हैं, हिंदी में जठराग्रम, करेक्शन कर लेना, काय जो है इसको बोला जाएगा बॉडी, जठर निर्गम का इंग्लिश में बेटा जी वर्ड है पाइलोरिक, ने करेक्शन करवा दिए। तो देख लो अब जो भोजन आ रहा है बेटा जी, वो भोजन सबसे पहले ग्रसिका से जब आया ग्रसिका से, तो ग्रसिका से भोजन सबसे पहले किस भाग में आएगा, कार्डियक भाग में, जठरागम, जठर, जठरागम, जठर में आगमन, जठरामाशय को बोलते हैं। ऊपर ये फंडस जिसमें हवा वगैरह भरी रहती है, फंडस पार्ट है, बीच वाला पार्ट बच्चों में बॉडी है काय, ये वाला पार्ट जठर निर्गम है, जठर निर्गम मतलब आमाशय के बाहर जाएगा पाइलोरिक। जठर निर्गम से छोटी आंत का पहला भाग कौन जुड़ गया, ग्रहणी, ठीक है हो गया करेक्शन। अब वो जो दो अवरोधिनी थी ना बच्चों, वो देखो क्या है अवरोधिनी, स्पिंटर, एक तो यहां अवरोधिनी होती है, एक यहां होती है, इस ऊपर वाली अवरोधिनी को तो बच्चों नाम देंगे कार्डियक स्पिंटर, और ये वाली जो अवरोधिनी है बेटा जी ये कहलाएगी पाइलोरिक स्पिंक्टर, हिंदी में बोल सकते हो जठर, जठरागम अवरोधिनी और जठर निर्गम अवरोधिनी। स्पिंक्टर का काम है भोजन को आने देना लेकिन वापस जाने नहीं देगी। तो देख लो ग्रसिका से भोजन आमाशय में आ तो सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता, ये कंट्रोल करेगा कार्डियक स्पिंक्टर। आमाशय से भोजन आगे छोटी आंत में जा तो सकता है, वापस नहीं आ सकता, ये कंट्रोल करेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। दो स्फिंक्टर आ गई, तो क्या कह रहा है देख लो, लिख लो इसको अच्छे से, चल लेते हैं फिर वापस ये वाला। तो शुरू से देख लो कि वो अवरोधिनी है आमाशय ग्रसिका अवरोधिनी, कार्डियक अवरोधिनी को बोल सकते हो, ग्रसिका गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है बच्चों। आमाशय आ गया मुख्यतः तीन की जगह चार भाग बता सकते हो आप, जठरागम, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पाइलोरिक आगे छोटी आंत में खुलेगा, छोटी आंत के भी तीन भाग है बच्चों, पहला सी आकार की ग्रहणी ड्यूडिनम, कुछ एनसीईआरटी पुरानी वाली में यू दे रखा है, यू काट के बच्चों सी कर लेना, नहीं एनसीईआरटी में करेक्शन हो गया है। कुंडलित मध्य भाग अग्र छुदांतर और लंबा कुंडलित छुदांतर, अग्र छुदांतर को अंग्रेजी में बोलते हैं जेजुनम और छुदांतर को बेटा जी बोला जाता है इलियम, इंग्लिश वर्ड भी अपने को आने चाहिए, आने ही चाहिए। आमाशय का ग्रहणी में निकास जठर निर्गम अवरोधिनी द्वारा नियंत्रित होता है, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर बेटा जी। छुदांतर बड़ी आंत में खुलता है, अब छोटी आंत के तीन भाग है ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, अपने पास दो आंत होती है ना, छोटी आंत और बड़ी आंत। बच्चों ये छोटी बड़ा जो नाम है ना वो लेंथ पर बेस्ड नहीं है, हालांकि नाम छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, लगभग 6 मीटर तक होती है बच्चों, सबसे बड़ा पार्ट है, बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। ये जो नाम रखा ना छोटा और बड़ा, ये बच्चों इनकी विड्थ व्यास चौड़ाई के बेस पर रखा है, तो बड़ी आंत की जो विड्थ है जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, जबकि लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है। तो छोटी आंत के तीन भाग ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अब जो लास्ट पार्ट इलियम है बच्चों छोटी आंत का, वो बड़ी आंत में खुलेगा, तो छुदांतर बड़ी आंत में खुलता है जो अंदनाल, वृहदांत्र और मलाशय से बनी होती है। तो बड़ी आंत के कितने भाग है, तीन भाग, पहला सीकम अंदनाल, दूसरा कोलन वृहदांत्र और तीसरा भाग मलाशय और रेक्टम, पढ़ रखे हैं तीनों अपन ने। चलो आगे, अब एक इम्पोर्टेंट लाइन बच्चों यहाँ अंडरलाइन कर लेना, अंदनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं, अंधनाल, सीकम, सीकम बच्चों सूक्ष्म अंधकोश होता है, ये ब्लाइंड सेक अंधकोश बोलते हैं, ऐसी संरचना जो एक साइड से खुली रहे एक साइड से बंद रहे,
इसी अंदनाल में ये खुलता है यहाँ इलियम, ये मान लो सीकम है, इससे जुड़ रखा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये पार्ट जो सीकम में खुल रहा है वो बेटा जी इलियम में, चलो एक वाल ऐसे ही बता देता हूँ आपको इस डायग्राम से, थोड़ा सा ये समझ लो कि जैसे ये बच्चों सीकम है, सीकम में ये इलियम का लास्ट पार्ट आके ये खुल रहा है यहाँ, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया अपेंडिक्स, जो अपने में कैसी होती है अवशेषी, ये वाला पार्ट है सीकम, जो ब्लाइंड सैक होता है, अंधकोष कहते हैं इसको, इसमें सहजीवी सूक्ष्म जीव होते हैं। ब्लाइंड सैक बच्चों, अंधकोष का मतलब जिसका एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज हो, आपने टेस्ट ट्यूब देखी ना परख नली, एक साइड से खुली एक साइड से बंद, उसको हम अंधकोष बोल सकते हैं, ब्लाइंड सैक। सीकम में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सहजीवी सूक्ष्म जीव, बात करते हैं उसकी। और ये बच्चों छोटी आंत का लास्ट पार्ट है इलियम, छुदांत्र, वो किसमें खुल रहा है, सीकम में खुल रहा है। यहां इलियम और सीकम के बीच बच्चों एक वाल्व होता है, ये देखो इस वाल्व की बात बता रहा हूं मैं, दैट्स कॉल्ड इलियो सीकल वाल्व, हिंदी नाम इसका बेटा जी है त्रिकांत्र कपाट, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, त्रिकांत्र कपाट। आपके इस चैप्टर की जो समरी है उसमें दे रखा है ये, इसलिए समरी भी आपको रीडिंग लगानी है, हर चैप्टर की कुछ नई बातें आपको समरी में बच्चों सारांश में मिल जाएगी। तो देख लो किसके बीच है, इलियम और सीकम के बीच है, तो क्या कहलाया, इलियोसिकल वाल्व। तो ये जो अपचित भोजन वगैरह है वो इलियम से सीकम में आ तो सकते हैं लेकिन वापस जा नहीं सकते, बैकफ्लो को रोकेंगे। और सीकम में जो सहजीवी सूक्ष्म जीव है बच्चों, उनका काम है विटामिन को सिंथेसाइज करना, ये ध्यान रख लेना कि सीकम में जो सहजीवी सूक्ष्म जीव है उनका रोल क्या होगा, कुछ विटामिन को संश्लेषित करना। कौन से विटामिन अगर आपसे पूछे, तो बेटा जी विटामिन B1, B2, B12, थोड़ा बहुत विटामिन K, इनका संश्लेषण कहाँ हो सकता है, सीकम में हो सकता है। चलो वापस वहीं आते हैं एनसीईआरटी पे। तो ये री लाइन की अंधनाल एक छोटा थैला है जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव रहते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंधनाल से एक अंगुली जैसा प्रवर्ध परिशेषिका निकलता है जो एक अवशेषी अंग है, परिशेषिका किसको कहा गया है, अपेंडिक्स को कहा गया है, अवशेषी वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल है। अंधनाल बड़ी आंत में खुलती है, फिर छोटा सा करेक्शन बच्चों आया अपनी हिंदी के एनसीईआरटी में, आपको कई छोटे मोटे करेक्शन मिलेंगे, अंधनाल बड़ी आंत में नहीं खुलता, अंधनाल खुद भी तो बड़ी आंत का ही भाग है, अंधनाल वृहदांत्र में खुलता है, वृहदांत्र बोले तो कोलन, अंधनाल आगे किस में खुलेगा, वृहदांत्र में खुलता है। वृहदांत्र आगे बच्चों चार भागों में विभाजित होती है, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड कोलन, ये भी नहीं है एनसीईआरटी में देखा, पुरानी में तो तीन ही भाग बता रखे हैं। तो चार पार्ट कौन कौन से हुए, ऐसे ये बच्चों कोलन के चार पार्ट आ गए, ऐसे हो गए। तो कोलन का सबसे पहले वाला ये जो पार्ट है ना ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों, उसको तो असेंडिंग बोल देंगे, आरोही, ये वाला पार्ट कहलाएगा ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलन, ये कहलाएगा सिग्मोइड कोलन, और जो सिग्मोइड कोलन है वो लास्ट में खुलेगा रेक्टम में, वो फिर एनस के थ्रू बाहर। तो वृदांत्र के चार पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड, जो आगे रेक्टम में खुल जाता है। और एक छोटी सी बात आप वृदांत्र में याद रख लेना बच्चों, कि जो वृदांत्र उसमें ऐसे चैम्बर कक्ष पाए जाते हैं, उन कक्षों को नाम दिया जाता है होस्ट्रा। कोलन में जो चैम्बर मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, होस्ट्रा। इन होस्ट्रा का काम है सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाना, एरिया बढ़ेगा तो यहाँ जल का अवशोषण होता है, वृदांत्र में मुख्यतया किसका अवशोषण होगा, जल का अवशोषण, होस्ट्रा उपस्थित होते हैं जो सतह के एरिया क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। चलो एनसीईआरटी में आगे फिर से अवरोही भाग, अवरोही तो क्या बच्चों, जो लास्ट का सिग्मोइड भाग है वो मलाशय में खुलता है, जो एनएस के द्वारा फिर बाहर खुल जाएगा, क्लियर। अब चलो पीछे बच्चों एक एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है उसको अपन देख लेते हैं, ये वाला, ये जो डायग्राम, इसमें कुछ मेन पार्ट में आपको बता दूं, जैसे मुख, मुख बच्चों किसमें खुला, मुख गुहा में खुल गया,
अब मुख में वो लार ग्रंथियां होती है ना मुख गुहा में, जैसे कर्ण पूर्व बच्चों, ये तो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि जिसको कहा जाएगा पैरोटिड, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। अपनी सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड। अपने बच्चों गाल में, कान इस ईयर पिना के नीचे गाल के अंदर होती है। ये अधोजंभ और अधोजिह्वा, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल और सब मैक्सिलरी। अपने में लार ग्रंथियां तीन जोड़ी होती है, आगे बच्चों डिस्कस करेंगे अपन। एक है सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड। ये लार ग्रंथियां जो लार स्त्रावित करेगी, ये ग्रसनी, ग्रसनी आगे किसमें खुली? ग्रसिका, ग्रसिका खुल गया, ये आमाशय, आमाशय के सामने बेटा जी ये लीवर, लीवर के नीचे पित्ताशय, ग्रहणी, ये इसके भाग आ गए अग्नाशय, अलग अलग पार्ट बच्चों। लीवर आपको ध्यान है, लीवर में क्या बनेगा? पित्तरस बनेगा, पित्ताशय में पित्तरस का संचय होगा। ये अपन इस डायग्राम से इसके अलग अलग पार्ट देख लेते हैं, देख लो आप एनसीईआरटी में दे रखा है। ग्रहणी, ये अलग अलग वृदांत्र के भाग, अंधनाल, गुदा, मलाशय, कोलन, वो सब इसके डिफरेंट पार्ट्स। चलो फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। अगला जो पैराग्राफ है वो आहार नाल के बच्चों स्तरों के बारे में, आहार नाल की हिस्टोलॉजी कि एलिमेंट्री के नाल में कितनी स्तर होते हैं। तो हमें पता है आहार नाल में बच्चों कितने? चार स्तर होते हैं बाहर से भीतर की ओर। सबसे बाहर सीरोसा, फिर आता है पेशी स्तर, फिर हम बात करते हैं अधः श्लेष्मिका, सब म्यूकोसा, और सबसे भीतर कौन सा आएगा? म्यूकोसा। चलो डिस्कस करें। तो आहार नाल की जो दीवार है उसमें ग्रसिका से मलाशय तक बेटा जी कितने? चार स्तर उपस्थित होते हैं, उन्हें सीरोसा, मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा कहते हैं। इनमें सबसे बाहर कौन सा है? सीरोसा एक बाहरी परत है जो मेसोथीलियम और कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। देखो बेटा जी सीरोसा, अब जो आउटर होता ना, आउटर सबसे बाहरी है, तो आउटर में बेटा जी एक तो फिक्स चीज आपको मैंने बता रखी है, कोई भी बाह्य जो आवरण होता है वो हमेशा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किसका बनेगा? श्वेत तंतुमय संयोजी ऊतक। और इसी सीरोसा में एक वर्ड लिखा है बच्चों, मेसोथीलियम। क्या लिखा है? मेसोथीलियम। देखो मेसोथीलियम बच्चों क्या है? थीलियम का मतलब होता है उपकला, और एक इंपॉर्टेंट उपकला होती है SSE, पूरा नाम है सिंपल टिश्यू, में बताता हूं आपको, स्क्वामस एपिथीलियम, हिंदी में क्या बोलेंगे? सरल शल्काकार उपकला, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। तो मिजो, मिजो का मतलब मिजोड्रम, और थीलियम का मतलब एपिथीलियम उपकला। कौन सी उपकला? सरल शल्काकार उपकला, और साथ में कौन? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सीरोसा सबसे बाह्य। चलो मस्कुलेरिस, मसल, पेशियां, प्राय वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियों का बना होता है, कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर भी होता है। ये देखो बेटा जी क्या है, तो देख लो तिर्यक पेशी, वैसे तीन पेशी, मस्कुलेरिस में दो नाम आते हैं LML और CML। LML को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य मसल लेयर, और CML को बेटा जी बोलेंगे सर्कुलर मसल लेयर, वर्तुल पेशी स्तर। तो जो LML है लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य, वो तो बाहर की ओर होगा, और सर्कुलर बेटा जी भीतर की ओर होगा। दो मेन पेशियां हैं। अब बात आए कि आहार नाल में पेशियों का क्या काम है, तो बच्चों आहार नाल में जो गति होती है ना, भोजन जब आगे जाएगा उस गति को आप क्या बोलते हो? क्रमाकुंचन, पेरिस्टालसिस। उस क्रमांकुंचन गतियों के लिए कौन जिम्मेदार है? ये वाली मसल्स LML और CML। और दोनों मसल बच्चों ऐच्छिक होगी कि अनैच्छिक होगी? क्रमांकुंचन पर आपका कंट्रोल होता है क्या? अपने आप होती है, अपने आप होती है। तो ये मसल्स कैसी हुई? स्मूथ मसल्स हुई, चिकनी पेशियां हुई, अनैच्छिक पेशियां हुई। और आमाशय में देखो बच्चों एक लाइन क्या कहती है, कुछ भागों में एक और पेशी स्तर आता है तिर्यक पेशी स्तर, और वो कुछ भाग आप एग्जांपल लिख लेना एनसीईआरटी में, वो कुछ भाग है अपना आमाशय। तो वैसे तो भागों में पेशियां दो है LML CML, लेकिन आमाशय में पेशियां कितनी है? तीन है, LML CML और ऑब्लिक तिर्यक पेशी स्तर। तीन पेशी स्तर की वजह से बच्चों आमाशय में क्रमांकुंचन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल। चलो फिर आगे नेक्स्ट बात करें।
फिर तीसरा स्तर बच्चों सम्यूकोसा, सम्यूकोसा स्तर रुधिर लसिका और तंत्रिकाओं युक्त मुलायम संयोजी ऊतक का बना होता है। मुलायम होता है बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। मुलायम का मतलब इसमें जो सेल होती है बच्चों ढीली ढाली होती है, शिथिल होती है, दूर दूर होती है। जब सेल्स दूर दूर होगी तो सेल्स के बीच में प्रॉपर अवकाश होगा, स्पेस होगा, उसी अवकाश में तंत्रिका, रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां आ जाती है। सब म्यूकोसा स्पंजी मुलायम संयोजी ऊतक से बना होता है, इसमें रक्त लसिका तंत्रिकाएं होती है। ग्रहणी में अंडरलाइन बच्चों कुछ ग्रंथियां भी सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ग्रहणी के इस भाग में, वो इंपॉर्टेंट कौन सी ग्रंथि आई रे, ब्रूनर ग्रंथि। बिल्कुल बेटा जी, ग्रहणी के इस भाग में कौन मिलेगा, ब्रूनर ग्रंथि मिलेगी। और चूंकि ग्रहणी में होती है इसलिए इसका एक नाम और है, इसको ड्यूडिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, ग्रहणी ग्रंथि। और ग्रहणी के किस भाग में है, सब म्यूकोसा, तो इसको बेटा जी सब म्यूकोसल ग्लैंड भी कहा जाता है। एक ही नाम है, ब्रूनर, ड्यूडिनल और सब म्यूकोसल, क्योंकि ग्रहणी के किस भाग में, सब म्यूकोसा में। क्लियर है? तो आहार नाल की ल्यूमेन की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा है। अब सब म्यूकोसा के अंदर सबसे भीतर कौन आ गया, म्यूकोसा। ये स्तर आमाशय में अनियमित वलय और छोटी आंत में अंगुली नुमा प्रवर्त बनाता है, जिसको विलाई कहते हैं। ये देख लो बच्चों, ल्यूमेन क्या कहा है, ल्यूमेन क्या है, आहार नाल का जो बिल्कुल ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, मान लो बच्चों आहार नाल, आहार नाल के बीच का ये जो अवकाश है ना, इसको ल्यूमेन कहते हैं, अवकाशिका। तो जो भोजन जहां अंदर रहता है वो ल्यूमेन है, अवकाशिका है। इसकी जो लाइनिंग है, ये जो सबसे आंतरिक परत है, ये म्यूकोसा है। ये परत क्या कहलाई, म्यूकोसा, बस सबसे भीतरी परत है। और म्यूकोसा में बच्चों ऐसे अंगुली नुमा उभार होते हैं, इसी म्यूकोसा में ऐसे अंगुली नुमा उभार, इन अंगुली नुमा उभारों को हम क्या बोल देंगे, विलाई। अरे वही विलाई और माइक्रो विलाई जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा भोजन का अवशोषण होगा, वही बात कर रहा है। तो छोटी आंत में अंगुली नुमा विलाई कहते हैं। अंकुर की सतह पर स्थित कोशिकाओं से असंख्य सूक्ष्म प्रवर्ध जिन्हें माइक्रो विलाई कहते हैं। सूक्ष्मांकुर का मतलब बेटा जी माइक्रो विलाई। तो विलाई के ऊपर कौन आ गए, माइक्रो विलाई आ गए। और माइक्रोविलाई से कौन सी बॉर्डर बनी, ब्रश बॉर्डर, ऐसे होते हैं ना माइक्रोविलाई, ये कौन सी बॉर्डर बना देंगे बच्चों, ब्रश बॉर्डर, जो सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। यह रूपांतरण अंडरलाइन सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देता है। अंकुरों में केशिकाओं का जाल, इसमें ब्लड और लिम्फ दोनों आएगी। अगले पेज पर देखते हैं उस डायग्राम में, अंकुरों का जाल और एक बड़ी लसिका वाहिनी होती है जिसे लैक्टियल कहते हैं। तो दो चीजें हैं बच्चों, देखो विलाई का, माइक्रोविलाई का मेन काम है पचित भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। ग्रहणी में बच्चों भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है, फिर पचित भोजन का अवशोषण होता है। अब अवशोषण के लिए देखो दो चीजें हैं, ये डायग्राम जो है इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आपको बता दूं क्या होता है बच्चों। देखियो ऐसे मान लो ये अपने विलाई है, ऐसे अंगुली नुमा ये प्रोजेक्शन होते हैं बच्चों, और विलाई के ऊपर ये है मान लो माइक्रोविलाई, सिंपलीफाई समझ लियो आप। इसके अंदर विलाई के अंदर बच्चों एक तो ब्लड वेसल्स होती है, एक मान लो ये लिम्फ वेसल्स है, ये मान लीजिए कैपिलरीज है। ये इस डायग्राम से अपन समझ लेते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये तो बेटा जी क्या है, ये तो विलाई है। विलाई के ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रोविलाई है, और माइक्रोविलाई से ही ये क्या बना है, ब्रश बॉर्डर बना है, ठीक है, यही फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब विलाई के अंदर एक मैंने लिखा ये तो है लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनी जिसको नाम दिया है लैक्टियल, एक बेटा जी इसमें मान लो ये है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनी। तो अपने पास जो फूड है उसमें तीन कंपोनेंट है मेन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीन ही तो मेजर कंपोनेंट है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब ध्यान से सुनना, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है ये तो अवशोषित होंगे ब्लड में,
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो कौन अवशोषित करेगा? रक्त करेगा। और जो पचित वसा है, फैट है बच्चों, इसे अवशोषित कौन करेगा? लिम्फ करेगा, लशीका करेगा। एक शरीर में एक और तरल होता है, रक्त तो जैसे रंगीन होता है लाल रंग का, एक बच्चों कलरलेस फ्लूड होता है लिम्फ, जो मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में बता रखा है ना। तो दोनों है बच्चों, लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो किस में अवशोषित होंगे? ब्लड वेसल्स में। और पचित वसा को कौन अवशोषित करेगा? लशीका वाहिनी, लिम्फ वेसल्स। तो अगर आपसे बोल दे कि भाई लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर दिया जाए, अवरुद्ध कर दिया जाए, तो किसका अवशोषण नहीं होगा? वसा का नहीं होगा। क्लियर है? तो ये विलाई, ऊपर माइक्रोविलाई, वो सब बच्चों यहां अवशोषण। और विलाई के आधार पर ये इनको बोला जाता है लीबर कुहन की दरारें या लीबर कुहन की गर्तिका। ये भी आज आगे वर्ड आ जाएगा। तो विलाई के आधार पर ही लीबर कुहन की गर्तिका है, जहां से एंजाइम वगैरह स्त्रावित होते हैं भोजन को पचाने के लिए। चलो वापस एनसीईआरटी पे आते हैं बच्चों। ये डायग्राम उसको अपन ने सिंप्लीफाई करके बता दिया। तो लेकेल कहते हैं म्यूकोसा की उपकला पर कलश कोशिकाएं होती है। ये लो इंटेस्टाइन में एक और सेल बच्चों नाम आया, इंपॉर्टेंट सेल आई, कलश कोशिकाएं, अंग्रेजी में कहलाती है गब्लेट सेल्स। क्या रिलीज करेगी? म्यूकस, इंटेस्टाइन में, स्टमक में भी होती है गोबलेट सेल्स, जो ल्यूब्रिकेशन चिकनाई के लिए म्यूकस का स्त्राव करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है। इसका क्वेश्चन भी है बच्चों, पुराना आया हुआ, अगला जो चैप्टर में आएगा ना, मैं उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां आपको एक इसका क्वेश्चन मिलेगा। तो म्यूकस का काम है चिकनाई, स्नेहकता, उसी चिकनाई की वजह से बच्चों भोजन आसानी से आगे की ओर खिसकता चला जाएगा, गोबलेट सेल्स। और गोबलेट सेल की विशेषता यह है कि यह बेटा जी यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। कैसी ग्रंथियां है? एक कोशी की है, यूनिसेलुलर। एक और एग्जांपल पढ़ेंगे अभी। म्यूकोसा अमाशय और आंत में स्थित अंकुरों के आधारक के बीच ये रही लिबर कुहन की दरारें उपस्थित होती है, और ये सभी चारों परतें आहारनाल के अलग अलग भागों में रूपांतरण दर्शाएगी। तो सबसे बाहर कौन सी बताई मैंने? सबसे आउटर से अगर बात करूं तो सबसे बाहर सीरोसा, फिर बेटा जी मस्कुलरिस लेयर, फिर सब म्यूकोसा, और सबसे भीतर कौन है? म्यूकोसा परत आ गई। ये सिक्वेंस होती है। और विलाई के आधार पर ये लिबर कुहन की दरारें, उनमें से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं पाचन के लिए। चलो ये पीछे वाला जो डायग्राम है ना, इसके ऊपर वाला ये देख लो, ये रहा, ये डायग्राम क्या बता रहा आपको? ये आहारनाल की कैविटी बच्चों, ये बीच का जो कैविटी वाला पार्ट है, तो ल्यूमेन था, अवकाशिका बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स सेक्शन है। सबसे बाहर सीरोसा, बाहर एलएमएल है, भीतर की ओर वर्तुल है, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा ये कैविटी, ल्यूमेन। तो इसको अगर आप मसल्स को भी दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले दिखा दो बच्चों सीरोसा, फिर है एलएमएल, फिर है सीएमएल, फिर है सब म्यूकोसा, और सबसे भीतर म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद में ये सबसे अंदर है ल्यूमेन। बस एलएमएल और सीएमएल कौन सी लेयर है? मस्कुलरिस लेयर है। एलएमएल बाहर की ओर होती है, सीएमएल अंदर की ओर होती है। क्लियर है बात? ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल, आहारनाल की स्ट्रक्चर। दूसरा पार्ट बच्चों, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र के दो भाग पढ़े थे हमने, पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां जो भोजन को पचाने के लिए क्या स्त्रावित करेगी? पाचक रस। तो इसमें पाचक ग्रंथियों में आहारनाल से संबंधित पाचन ग्रंथियों में तीन दे रखी है, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, शामिल है पैंक्रियाज। क्या क्या है उनका रोल बच्चों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लार ग्रंथि, लार का निर्माण तीन जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा होता है, अपने में तीन जोड़ी, तीन जोड़ी का मतलब टोटल छह। ये है गाल में कर्णपूर्व पैरोटिड, तो अपने बताया था गाल के नीचे पैरोटिड है, कर्णपूर्व सबसे बड़ी है। जबड़े में अधोजंभ, इसको बच्चों बोलते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलरी, और जीभ के नीचे अधोजीवा, सब लिंगुअल। सब का मतलब नीचे, लिंगुआ, लिंगुआ टर्म अभी किसके लिए बताया था? जीभ के लिए। इन ग्रंथियों से लार स्त्रावित होगा और वो कहाँ पहुंचेगी? मुख्य गुहा में। बच्चों तीनों ग्रंथियां देखो, तीनों ग्रंथियां मुख्य गुहा के बाहर है, लेकिन वहां से वो लार किस में डालेगी? मुख्य गुहा में। क्यों? तो पहली चीज, ये जो लार ग्रंथियां है बच्चों, ये बहिस्त्रावी होती है, एक्सोक्राइन, ध्यान आपको एक्सोक्राइन एंडोक्राइन,
एंडोक्राइन तो वो होती है ना जिनके पास नलिकाएं नहीं होती, डक्टलेस, नलिका विहीन, जो हार्मोन रिलीज करती है, नलिका नहीं होती, इसलिए हार्मोन रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। एक्सोक्राइन के पास बच्चों कौन होगी, खुद की नलिकाएं होगी, नलिका युक्त ग्रंथि है। तो लार किसके द्वारा आएगा, पर्सनल डक्ट द्वारा, नलिकाओं द्वारा आता है, इन्हें रक्त की आवश्यकता नहीं होती। जैसे तीनों तो क्या पैरोटिड की याद रख लो, जो पैरोटिड लार ग्रंथी है उसके पास जो नलिका है बच्चों, उस नलिका का नाम होता है एक्सटेंशन सलाइवरी डक्ट। एक ही बता देता हूं मैं, तो पैरोटिड का नाम है एक्सटेंशन लार नलिका। और पैरोटिड का भी बच्चों ध्यान रख लेना, पैरोटिड जो विषैले सांप वगैरह होते हैं ना बच्चों, नाजा वगैरह ऐसे सांप जिनमें जहर होता है, पॉइजनस स्नेक, उन सांप में, विषैले सांपों में पैरोटिड ग्रंथि ही क्या बनाती है, पॉइजन ग्लैंड बनाती है, विष ग्रंथि में रूपांतरित हो जाती है। तो आपसे पूछे ना कि विषैले सांपों की विष ग्रंथि किसका रूपांतरण है, तो बेटा जी आंसर क्या दोगे, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का। चलो आगे अपन आते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बच्चों बात करें, कौन सी, लीवर, इंपॉर्टेंट। तो यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वयस्क में भार लगभग 1.5 किलोग्राम तक होता है। सबसे बड़ी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन, लीवर। और लीवर का एक और नाम बच्चों याद रख सकते हो, हिपेटा। लीवर को ही हिपेटार बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, हिपेटिक वेन, हिपेटिक आर्टरी, ये सब लीवर से कनेक्टेड है। ये उधर में मध्य पट के ठीक नीचे, मध्य पट का मतलब यहाँ डायफ्राम से है, डायफ्राम के ठीक नीचे बाई ओर कौन था, आमाशय, दाई ओर लीवर, दाई ओर राइट साइड में लीवर होता है, ठीक नीचे होता है। और इसकी दो पालियां होती है, इसको लेफ्ट और राइट लोब बच्चों कहते हैं। जैसे लीवर का बच्चों अगर सिंपली डायग्राम देखें, लीवर, लीवर में ऐसे बेटा जी दो लोब होती है, एक को तो बोलते हैं लेफ्ट लोब बाई पाली, एक बेटा जी कहलाती है राइट लोब दाई पाली। वैसे तो और भी लोब होती है, अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, राइट लोब बच्चों इसकी लार्जेस्ट होती है, दाई पाली बड़ी होती है, बाई पाली कंपैरेटिवली छोटी होती है। अब लीवर में ऐसे कई बहुभुजीय पॉलीगोनल ऐसे संरचनाएं होती है प्रत्येक पाली में, इन्हें बेटा जी बोला जाता है हिपेटिक लोब्यूल्स, यकृत पालिकाएं, और यही हिपेटिक लोब्यूल्स लीवर की इकाई होती है। तो ध्यान से सुनना, लीवर में दो पालियां हैं, पालियों को अंग्रेजी में बोला है लोब, और यकृत पालियां, पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, वो जो वो है लोब्यूल्स। लोब्यूल्स बेटा जी पालिकाएं हैं, पालिकाएं हैं, और वो है लोब, पालिका, कई पालिकाएं, ये इसकी इकाई है। और इसके अंदर जो यकृत कोशिकाएं हैं वो रज्जू की तरह व्यवस्थित रहती है। तो बच्चों जो लीवर की सेल होती है ना, लीवर सेल को हम क्या बोल देंगे, येलो हेपेटोसाइट, साइट का मतलब ही बता रखा है मैंने सेल, तो लीवर सेल को हम क्या बोल सकते हैं, हेपेटोसाइट। और ये जो लीवर सेल है बच्चों, ये एक के ऊपर ऐसे क्रम से व्यवस्थित होती है लीवर की सेल, और इसी व्यवस्था को क्या नाम दिया है, ये कोशिकाएं रज्जू कोर्ड की तरह व्यवस्थित होती है एक के ऊपर एक क्रम से, लीवर सेल हिपेटोसाइट। प्रत्येक यकृत मालिका संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी रहती है, जिसे ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं, अंडरलाइन बच्चों। तो पालिकाओं की जो बाह्य आवरण है वो कहलाएगा ग्लीसन कैप्सूल, क्या नाम दिया, हाँ ये वर्ड याद रख लेना, ग्लीसन कैप्सूल। अब चूंकि बेटा जी बाह्य आवरण है तो किसका बनेगा, WFCT, और केवल ग्लीसन कैप्सूल मिलेगा मैमेलियन लीवर में, केवल स्तनधारियों का जो लीवर होता है उसकी लोब्यूल्स की कवरिंग क्या कहलाएगी, ग्लीसन संपुट कहलाता है। बाह्य है तो व्हाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, देख लो आगे दे रखा है हेरा, इसको ग्लीसन संपुट कहते हैं, ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्त्राव होता है, तो लीवर में कौन बनेगा, पित्त, बाइल जूस बनेगा।
जो यकृत नलिका के होता हुआ एक पतले पेशीय थैली अंडरलाइन पिताशय में सांद्रित और जमा होता है। तो बच्चों पित्तरस बनता तो लीवर में है लेकिन जमा कहाँ होगा, जमा वो पिताशय में होगा, गॉल ब्लैडर में होगा, उसकी बात करेंगे। पिताशय की नलिका यकृत नलिका से मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी बनाती है। पिताशय नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है। पिताशय नलिका नहीं है बच्चों, ये मूल पित्तवाहिनी है। अभी एक डायग्राम से समझा रहा हूं मैं। मूल पित्तवाहिनी और अग्नाशय नलिका दोनों मिलकर यकृत अग्नाशय वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलती है अंडरलाइन, जो ओडी की अवरोधिनी द्वारा कंट्रोल होता है, ओडी की स्फिंक्टर से कंट्रोल होता है। अभी इसको समझते हैं अपन। एक बच्चों लीवर के लिए ये भी याद रख सकते हो कि लीवर का जो ओरिजन है वो एंडोडर्म से होता है। तीन जननी किस तरह होते हैं ना बॉडी में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। वैसे सर्वाधिक जो ऑर्गन है ना बच्चों वो मीजोडर्म के बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि एंडोडर्म से बनती है। और एक लीवर के लिए ये भी याद रख लेना, इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है बेटा जी। लीवर में किसकी कैपेसिटी होगी, रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता। तो अगर लीवर 25% तक डैमेज हो जाए तब भी वो अपने आप को वापस बना सकता है, उसे हम बोलते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। क्लियर बेटा जी, लीवर ठीक है। अब ये जो डायग्राम दे रखा मैं थोड़ा इसको अलग से समझा देता हूँ, पहले एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम, आपके भेजे में आसानी से आ जाए बच्चों। ऐसा सा कुछ करते हैं अपन, कोशिश करते हैं। ये अपना लीवर है, मान लियो ये लीवर ठीक है। लीवर से बच्चों जो डक्ट आएगी उसको बोलेंगे अपन हेपेटिक डक्ट। ये लो, लीवर से जो डक्ट आई वो फिर ये गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट आ गई। ये शी शब्द अपने ड्यूडिनम, ड्यूडिनम से बेटा जी यहां ये लो पैंक्रियाज। इस ग्लैंड को मैं बोल रहा हूं पैंक्रियाज या तो अग्नाशय। ये शी शब्द की स्ट्रक्चर हो गई ड्यूडिनम, ठीक है। ये बेटा जी आ गया लीवर। लीवर की जो राइट लोब है उसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर, पिताशय, गॉल ब्लैडर। तो पित्त रस बनता लीवर में है लेकिन वो स्टोर बच्चों पिताशय में होगा, पित्त का आशय करने वाला, जमा करने वाला, उसको कंसंट्रेट करने वाला। अब ये जो डक्ट है इसकी, ये यहां खुलेगी। ये लो, मैं दो तीन वर्ड बच्चों बता रहा हूँ, वो आप अच्छे से सुनियो, कौन से नाम क्या है, क्या उसका रोल है, फंक्शन है। तो लीवर से जो डक्ट आ रही है ना बेटा जी, इसको मैंने कहा हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक शब्द लीवर के लिए यूज करेंगे। ये डक्ट क्या कहलाई, हिपेटिक डक्ट, हिंदी में यकृत वाहिनी। जो लीवर से क्या लेके आ रही है, बाइल, पित्तरस। ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के पास ये जो डक्ट गई बेटा जी, ये कहलाएगी सिस्टिक या बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी, सिस्टिक या बाइल डक्ट। तो लीवर से कौन सी डक्ट आई, देख लो आप, हिपेटिक डक्ट। क्या लेकर आई, बाइल जूस। वो बाइल जूस यहां से गॉल ब्लैडर में गया कौन सी डक्ट के थ्रू, सिस्टिक या बाइल डक्ट। ये वाली जो डक्ट है बच्चों कॉमन, इसको नाम दिया कॉमन बाइल डक्ट, मूल पित्तवाहिनी। ये कहलाएगी मूल पित्तवाहिनी। बस तो लीवर से बाइल जूस आया, पहले वो गोल ब्लेडर में गया, वहाँ उसको संचित किया, सांद्रित किया, फिर बाइल जूस गोल ब्लेडर से वापस बाहर आया, कौन सी डक्ट आई, कॉमन बाइल डक्ट, मूल पित्तवाहिनी। अब देखो आगे, ये अपना ड्यूडिनम, ग्रहणी, ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच कौन है, पैंक्रियाज, अग्नाशय। पैंक्रियाज से जो डक्ट आई उसको बेटा जी बोला पैंक्रियेटिक डक्ट, अग्नाशय वाहिनी, विरसंग डक्ट भी बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियास से जो जूस आएगा, पाचक रस आएगा, वो कौन लेकर जाएगी, पैंक्रियाटिक डक्ट। अब ये देखो बच्चों, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो किस में आकर मिल गई, इस पैंक्रियाटिक डक्ट में आकर खुल गई, खुल गई ना। दोनों मिलाकर के अब कहलाएगी कॉमन हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, सामान्य यकृत अग्नाशय नलिका, इसको बोल देंगे सामान्य यकृत अग्नाशय नलिका। कब,
तो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिक्स हो गई। मिक्स होने के बाद क्या कहलाई? कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। अब वो मिलकर के किस में खुलेगी? ड्यूडेनम में। और खुलने से पहले बच्चों एक ये फुली भी यहां संरचना बनाती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये अवरोधिनी तो कहलाती है ओडीज स्फिंक्टर, ओडी की अवरोधिनी। इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं एम्पूला ऑफ वेटर, वेटर का एम्पूला, फुला हुआ भाग यहां कहलाएगा वेटर का एम्पूला। अब देख लो बाइल जूस तो ये आ रहा है, बाइल जूस आया, अब किस में घुस गया? पैंक्रियाटिक डक्ट में। दोनों मिलकर क्या कहलाई? कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। इससे बच्चों पैंक्रियाटिक जूस भी आएगा, बाइल जूस भी आएगा, दोनों जाएंगे कहां? दोनों जाएंगे ड्यूडिनम में। और ड्यूडिनम में जब जाएंगे तो ड्यूडिनम में जाने के लिए कंट्रोल कौन कर रहा है? यहाँ ओडी की अवरोधिनी। ये अवरोधिनी पित्तरस और अग्नाशय रस दोनों के ड्यूडिनम में रिलीज को कंट्रोल करती है। और ये जो फुलावा भाग है उसी को हमने नाम दिया है वेटर का एम्पूला, उसी में ओडीज स्फिंक्टर। क्लियर है? ये देख लेना अच्छे से डायग्राम बच्चों, डक्ट के नेम है ना। अब अपन एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देख लेते हैं, लाइन क्लियर कर लेते हैं कि पिताशय की नलिका यकृत नलिका से मिलकर क्या बना रही थी? मूल पित्तवाहिनी। और फिर ये कंट्रोल हो रही थी ओडी की अवरोधिनी से। आमाशय ये सी है बच्चों, आमाशय सी आकार के ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है जो बहिस्त्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। याद आया क्या? आमाशय कौन सी ग्रंथि है बेटा जी? मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, जिससे हार्मोन भी आएंगे, जिससे एंजाइम भी आएंगे, पाचक रस भी आएगा। इसका जो बहिस्त्रावी भाग है उससे क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्त्राव होता है। याद आया बच्चों? तो इसका जो अंतःस्रावी भाग है उसमें जो अल्फा सेल है उससे तो आता है ग्लूकागोन, और बेटा जी एक बीटा जो सेल होती है इसकी उससे कौन सा हार्मोन आएगा? इंसुलिन, जो रक्त में शर्करा के स्तर को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों हार्मोन हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़े हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज मिश्रित ग्रंथि है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी, उससे हार्मोन भी आएगा एंडोक्राइन पार्ट से, जिसको आप लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हो, उसमें अल्फा बीटा ये सेल्स बच्चों आ गई। ठीक है, और वैसे पैंक्रियाज भी बच्चों एंडोडर्म से ही बनता है, लीवर और पैंक्रियाज दोनों की उत्पत्ति किससे होती है? एंडोडर्म से। आगे जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसको देख लो, ये रहा पिताशय से पिताशय वाहिनी बच्चों, इसको हमने बाइल डक्ट बोला था। ये मूल पित्त वाहिनी कॉमन बाइल डक्ट, ये हिपेटिक डक्ट मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाएगी। ये पैंक्रियाज आ गया ड्यूडिनम के बीच में, ये यकृत अग्नाशय वाहिनी, फिर ये इसमें खुल जाएगा ड्यूडिनम में। क्लियर है? फिर आते हैं बच्चों अपन इस पॉइंट पे, अपन ये तो एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर बच्चों हो गई, देन अगला जो पार्ट है भोजन का पाचन, उसके बारे में बेटा जी डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड। वही पाचन का मतलब बताया था आपको कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को कन्वर्ट करना है सिंपल में। ये बच्चों एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, और उसके लिए हमने अलग अलग एंजाइम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कैसे डाइजेशन होता है। चलो बेटा जी, तो पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है, ये डिफरेंस आपको बता दिया था। यांत्रिक में एंजाइम का रोल नहीं होता और रासायनिक में एंजाइम की सहायता से। तो सबसे पहले बच्चों मुख गुहा में मुख्यतः दो कार्य हैं, मुख गुहा में भोजन आया उसके दो काम, पहला भोजन को चबाना, श्रवण, चबाने को बोल देंगे, और निगलने की क्रिया, चबाने के बाद हम भोजन को निगलते हैं बच्चों। लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह चबाने और मिलाने का कार्य करते हैं, तो लार में भोजन को जीभ द्वारा अच्छी तरह से मिलाया जाएगा बच्चों। लार का श्लेष्म, ये लार का जो म्यूसिन होता है बच्चों, लार में एक म्यूसिन है जो वैसे ग्लाइकोप्रोटीन का बना है, ग्लाइकोप्रोटीन बेटा जी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को अपन बोलते हैं। फिर जो म्यूसिन है ये भोजन कणों को चिपकाने में और उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। बोलस याद आया ना बेटा जी, कि फूड के साथ बकल कैविटी में कौन मिला? सलाइवा मिला, और इस भोजन के रूप को हम यहां क्या बोल देंगे? बोलस बोल देंगे। अब जो बोलस है इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाएगा, फैरिंग से ईसोफेगस में आ गया बच्चों, वो क्रमाकुंचन गतियां बताएगा। ये बोलस पेशीय संकुचन के क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। अब ग्रसिका में बच्चों वैसे पाचन नहीं होता है,
ग्रसिका में पाचन नहीं होगा, क्योंकि ग्रसिका खुद किसी भी एंजाइम को सिक्रीट नहीं करती है। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं आएगा बेटा जी। जठर ग्रसिका अवरोधिनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। याद आ गया क्या? भोजन ग्रसिका से बच्चों आमाशय में आएगा, और वो बीच में अवरोधिनी कौन सी थी? कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर, जो हमने बताई थी। लार में, अब सलाइमा में बच्चों एंजाइम के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्टे और एंजाइम। विद्युत अपघट्टे में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, एंजाइम में आ गया लारी एमाइलेज और लाइसोजाइम। एमाइलेज को बेटा जी क्या कह देते हैं? टाइलीन कह देते हैं। और इसको सक्रिय करने का काम, देखो एमाइलेज को एक्टिवेट करने में बेटा जी एक इस आयंस का रोल है, ध्यान रख सकते हो आप, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन उसे एक्टिवेट करने में हेल्पफुल होता है। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया, आप देखो एमाइलेज क्या करता है बच्चों, अपने को पता है, स्टार्च को तोड़ेगा। तो पाचन की रासायनिक क्रिया मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाले एंजाइम टाइलीन या लारी एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। तो अपने में सबसे पहले डाइजेशन बेटा जी किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट का होगा, स्टार्च का होगा। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता से माल्टोज में अपघटित हो जाता है, और जो लाइसोजाइम था वो एंटीबैक्टीरियल था, वो जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। अब ध्यान रख लेना, मुख्य गुहा में केवल कितने परसेंट? 30% स्टार्च का डाइजेस्ट होता है बच्चों, क्योंकि मुख्य गुहा में भोजन कम समय के लिए रुकता है, हम उसे निगल कर तुरंत आमाशय में भेज देते हैं। और बच्चों जो रिमेनिंग 70% स्टार्च है, 30% तो माउथ कैविटी में डाइजेस्ट हो गया, और बचा हुआ जो 70% है वो इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है, आगे हम पढ़ेंगे अग्नाशय रस के एमाइलेज द्वारा। पीएच लार की थी 6.8, ठीक है, और स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है बच्चों, ये रही। और माल्टोज कैसा है? डाइसेकेराइड होता है। माल्टोज बेटा जी कैसा है? डाइसेकेराइड, क्लियर। तो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। अगला, अब बच्चों स्टमक से बकल कैविटी से हम स्टमक में आ गए, आमाशय में आ गए, आमाशय की उन जठर ग्रंथियों की बात करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, लगभग हर बार इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सेंटिक सेल, पैराइटल सेल में, अगले लेक्चर में प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, वहां बच्चों बताएंगे अपन इसके बारे में। तो आमाशय की म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित है। जठर ग्रंथियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है बच्चों। पहली म्यूकस का स्त्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका, आगे ना म्यूकस रिलीज करने वाली नेक सेल। दूसरी बेटा जी पेप्टिक या मुख्य कोशिका, जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। और भित्तीय या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं, जो एचसीएल और नेज कारक का स्त्रावण करती है। इस नेज कारक को अंग्रेजी में बोल सकते हो केशल फैक्टर। और इस नेज कारक का जो फंक्शन है बेटा जी, अंडरलाइन कर लेना, ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। B12 जिसका केमिकल नेम बेटा जी होगा साइनोकोबालेमीन। क्या बोलेंगे रे? साइनोकोबालेमीन, कोबाल्ट लिंकेज होता है इसमें, वही साइनोकोबालेमीन, वही विटामिन B12 जो किसका उत्पादन में सहायक होगा? RBC प्रोडक्शन में, RBC उत्पादन में सहायक होता है। दो एक साल पहले नीट में पूछा भी था कि अगर ये ऑक्सेंटिक कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाए तो RBC प्रोडक्शन बच्चों नहीं हो पाएगा ना, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि ये जो विटामिन B12 है वो RBC उत्पादन में सहायक होता है, एरिथ्रोपोइसिस, RBC निर्माण जिसको बोलते हो। आमाशय में बच्चों 4 से 5 घंटे तक भोजन रुकेगा। आमाशय एक लार्जेस्ट वाइडेस्ट पार्ट है बच्चों, वाइडेस्ट बोल सकते हो। आमाशय की पेशीय दीवार के संकोचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, वही ध्यान रख लो। अब आमाशय में बच्चों जो गतियां होती है उनके लिए एक शब्द अपने इंग्लिश एनसाइटी में दे रखा है, चर्निंग मोमेंट। तो आमाशय में जब बोलस आया, बकल कैविटी से आमाशय में बच्चों बोलस आया, बोलस आमाशय के जठरीय रस के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, वो जो आमाशय की मूवमेंट है उनको बोलते हैं मथनी गतियां, चर्निंग मूवमेंट। अब देखो बोलस आया था, भोजन का कौन सा रूप आया था बेटा जी? बोलस। उसके साथ क्या मिल गया? गैस्ट्रिक जूस। अब बेटा जी जो फूड का फॉर्म है आमाशय में उसको हम नाम देंगे काइम। अब वो क्या कहलाएगा? काइम, जिसका मीडियम होता है एसिडिक। चलो
तो आमाशय की पेशी दीवार के संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठरी रस से पूरी तरह मिल जाता है और काइम कहते हैं। अब हम उस भोजन के रूप को क्या कहेंगे, काइम बेटा जी कहते हैं। काइम आगे देखो, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन बच्चों निष्क्रिय है ना, जन लग गया, ये इनएक्टिव है। प्रो एंजाइम, प्रो का मतलब भी जो कैसा एंजाइम हो, इनएक्टिव, पहले उसे कौन एक्टिव करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और किस में बदल देगा, एक्टिव पेप्सिन में। और पेप्सिन का काम किसे पचाना, प्रोटीन को, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन्स में बदल देता है, वो पेप्टाइड चेन में बच्चों प्रोटीन को तोड़ देगा, डाइजेशन चल रहा है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट श्लेष्मा उपकला स्तर को स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित HCl से उसका बचाव करते हैं। एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखियो आमाशय जो होता ना स्टमक में कौन सा एसिड आ रहा है, HCl एसिड। तो बेटा जी HCl से स्टमक की इनर वॉल, आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, वो कहीं डैमेज नहीं हो जाए, HCl उसमें कहीं घाव ना कर दे, इसलिए बेटा जी आमाशय की इनर वॉल पर ये म्यूकस श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट आयन, म्यूकस और जो बाइकार्बोनेट आयन है, ये आमाशय की आंतरिक भित्ति को HCl के साइड इफेक्ट से बचाती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। HCl पेप्सिन के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। पेप्सिन के लिए बच्चों मीडियम एसिडिक चाहिए, HCl उसे एसिडिक मीडियम प्रदान करेगा। और नवजात के जठर रस में अंडरलाइन करना बच्चों, रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। रेनिन है ये RENNIN, ये वाला रेनिन, वो नवजात छोटे बच्चों के जठरी रस में होता है बच्चों, अपने में रेनिन इतनी मात्रा में सिक्रेट नहीं होता, अनुपस्थित भी बोल सकते हो, मेनली ये शिशुओं में, क्योंकि शिशु माँ के दूध पे ही डिपेंड रहते हैं बच्चों, और रेनिन जो दूध की प्रोटीन है, रेनिन का एक नाम और बेटा जी, इसको काइमोसिन भी बोल देते हैं, रेनिन को क्या बोल सकते हो, काइमोसिन। और ये क्या करेगा, दूध की प्रोटीन, माँ के मिल्क में बेटा जी एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं कैसीन, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलेंगे, कैसीन, उसे डाइजेस्ट करने में किसका रोल है, रेनिन का। रेनिन भी पहले बच्चों इनएक्टिव स्टेज में आता है, इसको बोला जाता है प्रोरेनिन, जैसे पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या था, पेप्सिनोजन, और ये कहलाएगा प्रोरेनिन। तो HCl पहले इसको सक्रिय करेगा, वो पेप्सिन बनेगा, ये रेनिन बनेगा, क्लियर है, चलें आगे। तो दूध की प्रोटीन को ये नीट का क्वेश्चन बना हुआ है, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में कौन से एंजाइम का रोल है, रेनिन का। और रेनिन बच्चों देखो यहां मैंने लिखा है RENNIN, ये डबल एन पे जोर दे रहा हूं मैं, ये रेनिन है। एक रेनिन और आएगा बच्चों अपने सिलेबस में, जिसकी स्पेलिंग होगी RENIN, सिंगल एन वाला रेनिन, इसका क्या रोल है, सोचना आप खुद ही, मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं कहां आता है, क्या इसका फंक्शन है। और वो जो डबल एन वाला रेनिन है वो एंजाइम है, वो यहां आ गया, चले आगे, चलो फिर। तो जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज भी स्रावित करती है, थोड़ा बहुत जठरीय लाइपेज का भी स्त्रावण होता है। तो बच्चों जठरी रस के तीन मेन एंजाइम आ गए, पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज, जो अल्प मात्रा में स्रावित होता है। चलो आगे बच्चों, अब भोजन आमाशय से आगे कहां आया, आमाशय से भोजन किस में आया, छोटी आंत, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी ड्यूडिनम, जहां भोजन का सबसे ज्यादा बच्चों पाचन होता है उसकी बात करेंगे। छोटी आंत का पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है, इन गतियों से विभिन्न स्त्राव भोजन में मिल जाएंगे और पाचन की क्रिया सरल हो जाएगी। भाई गतियां, मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस जैसी, जिससे भोजन और वो अलग अलग रस अच्छी तरह से मिल जाए बच्चों। यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशय रस और अंतरस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अब छोटा सा बच्चों यहां करेक्शन है, ये वो वाला डायग्राम है, ये था ना, ग्रहणी में देखो तीन रस आते हैं बच्चों, पैंक्रियास से कौन आएगा, पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, और ये जो वो कॉमन बाइल डक्ट थी इससे कौन आ रहा था, बाइल जूस। अब यहां बोला था हमने इसको हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, ये तो थी कल अपन बता रहे थे ना इससे पीछे, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, इसी से पैंक्रियाटिक जूस आया, इसी से बाइल जूस आया, और आकर वो कहां छोड़ा गया, ड्यूडिनम में, ग्रहणी में,
आंतरीय रस बच्चों इस हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट से नहीं आता, वो तो आंत में रहता है आंतरीय रस। तो एनसीआईटी में तीनों एक साथ दे दिए, ये लाइन थोड़ी सी अपन सही कर लें। क्या कह रहा है कि यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा पित्त, ठीक है अग्नाशय रस भी आता है लेकिन आंतर रस इस नलिका द्वारा नहीं आता, वो इंटेस्टाइन में रहता है। बाकी आएगा इंटेस्टाइनल जूस भी इंटेस्टाइन में। अग्नाशय रस में बच्चों अब लो पहले अग्नाशय रस की बात करें। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम है, सारे ही है। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, अंडरलाइन काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, न्यूक्लियेज एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। ये बच्चों ट्रिप्सिनोजन काइमोट्रिप्सिनोजन क्या है, निष्क्रिय है, पहले इनको क्या किया जाएगा, सक्रिय किया जाएगा। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित अंडरलाइन एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजन सबसे पहले सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। इसको थोड़ा सा मैं अलग से बता देता हूं बच्चों, आपको इंपॉर्टेंट है कि भाई अग्नाशय रस में एक एंजाइम आ रहा है ट्रिप्सिनोजन, जन लग गया बच्चों इनएक्टिव है, जैसे कि पेप्सिनोजन होता है। एक मैंने लिखा काइमोट्रिप्सिनोजन, एक बेटा जी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, नाम ही देख लो इसका पेप्टाइडेज है, मतलब किसका ब्रेकडाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जो एमाइनो एसिड प्रोटीन में होते हैं। तो तीनों इनएक्टिव है, तीनों एंजाइम जो पैंक्रियाटिक जूस में है प्रोटीन को पचाने वाले हैं, तीनों क्या है इनएक्टिव, पहले इनको एक्टिव करो। तो सबसे पहले बेटा जी ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट करने वाला एंजाइम कौन है, यहां इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एंटेरोकाइनेज। ये एंजाइम है, एंजाइम इसलिए है क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ आया, एज एंजाइम। और एंटेरोकाइनेज कहां से आ रहा है, ये ड्यूडिनम से आ रहा है, ड्यूडिनम की वॉल से आ रहा है। तो जैसे ही पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास से आ रहा है, डक्ट से आ रहा है, जैसे ही वो बच्चों ड्यूडिनम में आएगा, आते ही सबसे पहले उसे कौन दिखेगा, एंटेरोकाइनेज। वो एंटेरोकाइनेज सबसे पहले इस ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एक्टिव सक्रिय ट्रिप्सिन में। और ये जो ट्रिप्सिन है बेटा जी, ये ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, इन दोनों इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव ट्रिप्सिन करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को वो बदल देगा, एक्टिव कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड में, इसमें प्रो हटा, ये एक्टिव हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करने वाला एंटेरोकाइनेज, बाकी दोनों को एक्टिव कौन करेगा, ट्रिप्सिन। क्लियर है ये चीज, ढंग से समझ लेना। अगर आपसे बोल दिया जाए ना बेटा जी, देख लो इसको एक बार, और मैं एक बात भी बता देता हूं, अगर अपने को बोल दिया जाए कि अगर एंटेरोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, मान लो एंटेरोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए, तब बेटा जी कौन सा एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा बताओ। एंटेरोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनमें से कौन सा एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा, ये या तीनों, तीनों बोल सकते हैं ना। बिना एंटेरोकाइनेज के बच्चों ट्रिप्सिन एक्टिवेट नहीं हुआ, इसके बिना बाकी दोनों भी एक्टिवेट नहीं होंगे। चलो वापस एनसीईआरटी पे आते हैं, क्या कह रहा आगे अपनी एनसीईआरटी, ये अग्नाशय रस की बात होगी बच्चों। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्त वर्णक बाइल जूस की बात आ रही है, पित्त रस की बात आ रही है, जो बनता तो लीवर में है लेकिन स्टोर गोल ब्लेडर में होता है। तो पित्त रस में बच्चों पित्त वर्णक आ गए बिलीरुबिन और बिलीवर्डीन, पित्त लवण आ गए कार्बनिक और अकार्बनिक पित्त लवण, कोलेस्ट्रोल फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन अंडरलाइन बच्चों कोई एंजाइम नहीं होता। तो बाइल जूस में आपको बताया था ना, कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन फिर भी पाचन में सहायक है, किसके पाचन में, वसा के पाचन में। तो इसलिए बच्चों बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सूडो डाइजेस्टिव जूस, आभासी पाचक रस। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा, बाइल जूस होगा, सूडो आभासी, एंजाइम ही नहीं है। पित्त वर्णक बिलीरुबिन बिलीवर्डीन, ये बच्चों पीलिया रोग में बताते हैं अपन, अगर ये वर्णक की मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो अपनी आंखें, अपने नाखून, अपनी त्वचा पीली पड़ जाती है, जिसको आप जोंडिस बोलते हो, पीलिया। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है, इमल्सीकरण याद आ गया, वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना बच्चों, और उसे बहुत छोटे मिशेल कणों में तोड़ेगा, पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है, ये भी ध्यान रख लेना।
पित्त में खुद में कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन बच्चों वो लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करेगा, वही लाइपेज जो वसा लिपिड को पचाता है। चलो आगे, ये मिसेल अणु पढ़ेंगे बच्चों, मिसेल मिसेल मोलिक्यूल आएंगे ना, बाइल सॉल्ट और के साथ मिलकर जो बन जाते हैं उनको अपन मिसेल मोलिक्यूल बोल देते हैं। आगे अवशोषण में बता दूंगा मैं इसी में। अब आंतरीय श्लेष्मा उपकला में गोबलेट कोशिकाएं होती है जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। ये लो गोबलेट आ गई बच्चों, चषक कोशिकाएं। कैसी बता रहा था मैं आपको, यूनिसेलुलर बताई थी ना, एक कोशिकीय म्यूकस आएगा। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गोबलेट कोशिकाओं के स्त्राव आपस में मिलकर आंतरीय स्त्राव या सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। ये लो आंतरीय रस, तो तीन रस आ गए ड्यूडिनम में, एक तो बाइल पितरस, एक पैंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस, और एक इंटेस्टाइनल जूस आंतरीय रस, उसी का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं जैसे ग्लाइकोसाइडेज, अब बच्चों नाम से समझ जाना ग्लाइकोसाइडेज, एज का मतलब एंजाइम। ये ग्लाइकोसाइडेज जो है वो कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। डाइपेप्टाइडेज कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड को। एस्टरेज कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा, एस्टर बॉन्ड को। न्यूक्लियोसाइडेज ये न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करता है। तो ग्लाइकोसाइडेज बच्चों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में मिलते हैं उनको ब्रेक डाउन करेगा ग्लाइकोसिडिक, और न्यूक्लिक एसिड में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाँ ये पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन में होते हैं, एस्टर बॉन्ड वसा में दिखते हैं, उनको तोड़ने वाले अलग अलग एंजाइम। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर, वही बेटा जी लाइन, म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर आंतरीय म्यूकोसा की अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करता है। वही स्टमक से जो HCl आ रहा है उससे बच्चों इंटेस्टाइन को बचाने का काम वही करेगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। क्लियर है, चलो आगे। तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम तैयार करता है, पीएच 7.8। इस प्रक्रिया में अंडरलाइन सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। देखो बेटा जी तीन पीएच आपको याद रखनी है, सबसे पहले मुख्य गुहा में सलाइवा, सलाइवा कितने पीएच पर, 6.8 पर सलाइवरी एमाइलेज एक्टिव रहता है। फिर फूड आया स्टमक में, आमाशय की पीएच आप याद रखोगे 1.8, और फिर इंटेस्टाइन जो है उसकी पीएच याद रख लो 7.8। तो 6.8, 1.8, 7.8, तीन याद रखनी है। और इस पीएच को क्षारीय करने में बच्चों ब्रूनर ग्रंथि का भी रोल है, ब्रूनर ग्रंथि ध्यान आई, ड्यूडिनम की सब म्यूकोसा में इससे जो म्यूकस आएगा वो मीडियम को बेसिक बनाएगा, एल्केलाइन बनाएगा, क्षारीय बनाएगा। आंत में पहुंचने वाले काइम में उपस्थित प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम अब कैसे काम करते हैं वो देख लो, अलग अलग है। तो मुख्य गुहा में बोलस था, आमाशय में आने के बाद वो काइम बना, अब इंटेस्टाइन में बच्चों वो काइल बन जाता है, उसी काइम की एक्टिविटी की बात कर रहा है। देखो क्या क्या रिएक्शंस होती है, सिंपली देख लेते हैं अपन कि प्रोटीन और उसके टूटे हुए पार्ट पेप्टोन्स और प्रोटीओज में ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज उसको तोड़ देंगे डाइपेप्टाइड में। अब मैं थोड़ी सी सिंप्लीफाई इस रिएक्शन को बता देता हूं बेटा जी, जैसे प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे इफेक्ट डालता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो स्टमक में पेप्सिन का काम था ना वो अग्नाशय में इनका काम है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन इनको तोड़ देगा पेप्टोन्स एंड प्रोटीओज में, ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं बच्चों, इन पेप्टोन्स और प्रोटीओज पे अगले स्टेज में एक्टिव करेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कौन सा एंजाइम, ये वाला कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बेटा जी इनको कन्वर्ट कर देगा, एक वर्ड लिखा मैंने डाइपेप्टाइड, किसमें टूट गए डाइपेप्टाइड। अब थोड़ा सा मैं डाइपेप्टाइड के बारे में बता देता हूं क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है बच्चों, कैसे देखो क्या है सुनो, डाइपेप्टाइड कोकलिया, कोकलिया ओपन कर लेना, ये कोकलिया क्या होता है, कोकलिया खोलियो रे, कोकलिया कान में, कोकलिया सुनने वाली स्ट्रक्चर मोथों, हाँ तो कोकलिया की बात कर रहा हूं मैं, डाइपेप्टाइड का मीन बच्चों देखो डाई का मतलब दो, ये स्ट्रक्चर है डाइपेप्टाइड, डाई का मतलब टू, पेप्टाइड का मतलब पेप्टाइड बॉन्ड दो नहीं होते, बस ये कंफ्यूज होता है। डाइपेप्टाइड में बच्चों अमाइनो एसिड कितने हैं, दो एमाइनो एसिड होते हैं, और एमाइनो एसिड के बीच वाला बॉन्ड कौन सा होता है, इसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड।
तो डाइपेप्टाइड का मतलब, डाइपेप्टाइड में अमाइनो एसिड कितने, 2, पेप्टाइड बॉन्ड कितना, 1, ये ध्यान रखना। आगे चलो, काइम के कार्बोहाइड्रेट वही स्टार्च जो बचा हुआ 70% स्टार्च था ना बच्चों, 30% तो बकल कैविटी में लारी एमाइलेज से डाइजेस्ट हो ही गया था, रिमेनिंग 70% जो स्टार्च है ये एमाइलेज यहां डाइसेक्राइड उसी माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। तो माउथ कैविटी बकल कैविटी वाला कहलाता है सलाइवरी एमाइलेज, ध्यान रखना वो लारी एमाइलेज होता है, इसको केवल एमाइलेज लिखा है, ओनली एमाइलेज का मतलब पैंक्रियाटिक जूस वाला एमाइलेज जो कितने परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, बचे हुए 70% स्टार्च को, ठीक है। वसा पित्त की मदद से लाइपेज द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं, तो वसा ये पहले पित्त उसको पाइसीकृत करेगा, इमल्सीफाई करेगा, फिर लाइपेज डाई और डाई से फिर वो मोनोग्लिसराइड, ये ध्यान आ गया बच्चों, फैट होता ना ये बायोमोलिक्यूल की बात है, ये ट्राइग्लिसराइड, एक बेटा जी वर्ड आता है डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड। आप बायोमोलिक्यूल में बच्चों अगर चैप्टर अपन ने कर रखा है तो जो फैट होते हैं ना वो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड और एक बेटा जी आता है वर्ड ग्लिसरोल, फैटी एसिड और ग्लिसरोल। जैसे प्रोटीन का सरलतम रूप होता है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, वैसे फैट बच्चों फैटी एसिड और ग्लिसरोल का बनेगा, ग्लिसरोल होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये चीजें बायोमोलिक्यूल चैप्टर की है। यहां सिंपली तरीके से आप समझ लो फैटी एसिड ये जो वसीय अम्ल है इनकी संख्या कितनी है उस बेस पर हम बोलते हैं, अगर फैटी एसिड एक है तो बेटा जी वो मोनोग्लिसराइड है, फैटी एसिड दो है तो वो डाइग्लिसराइड है, जनरली फैटी एसिड के मोलिक्यूल तीन होते हैं तो वो ट्राईग्लिसराइड होता है। तो डाइजेशन तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलोगे ना, ट्राई को तोड़ के हम डाई बनाएंगे, डाई से फिर कौन बनेगा मोनो बनेगा, वही तो डाइजेशन होता है। तो यहां सीधा बता दिया डाइग्लिसराइड, डाई से क्या बन गया मोनोग्लिसराइड। अग्नाशय रस के न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं, ये मैं न्यूक्लिक एसिड का अभी आपको अलग से समझा दूंगा। न्यूक्लिक अम्ल में एंजाइम आएगा न्यूक्लियेज और न्यूक्लियोटाइड और टाइड से फिर साइड, ये न्यूक्लियोटाइडेज वगैरह। आंतरस के एंजाइम उपयुक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं, तो जब बच्चों भोजन का पाचन पूरी तरह से हो जाएगा तो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन का सरलतम रूप एमाइनो एसिड बन गए, वसा का सरलतम रूप फैटी एसिड बन गए। अब पाचन पूरा होने के बाद अगली स्टेज क्या स्टार्ट होगी, उन सरलतम भोज्य पदार्थों का क्या किया जाए, एब्जॉर्प्शन अवशोषण किया जाए, उस पर चलेंगे। उससे पहले पाचन के अंतिम चरण आंत के म्यूकोसा उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होते हैं, ये लाइन क्या कह रही है, देखो ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल, उसकी कैविटी को बेटा जी क्या कहा था, ल्यूमेन कहा था, अवकाशिका कहा था, और इसकी जो इनर लाइनिंग ये रही म्यूकोसा थी, अरे म्यूकोसा ही तो थी, म्यूकोसा की एपिथीलियम उपकला। तो जब डाइजेशन कंप्लीट होगा तो डाइजेशन के जो कंप्लीट होने के बाद अंतिम चरण है वो बिल्कुल म्यूकोसा के पास होंगे, श्लेष्मा स्तर के बिल्कुल समीप, क्यों, जैसे ही डाइजेशन हुआ अब म्यूकोसा की एपिथीलियम उसको क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी बस। तो डाइजेशन होते ही उस पचित भोजन का म्यूकोसा की एपिथीलियम ब्लड में क्या कर लेगी, अवशोषण कर लेगी। तो यही कह रहा है कि पाचन के जो अंतिम चरण है वो म्यूकोसा की उपकला कोशिकाओं के बिल्कुल समीप, ताकि डाइजेशन होते ही उनका क्या कर लिया जाए, एब्जॉर्प्शन। चलो लास्ट में कुछ रिएक्शंस बच्चों बता रखिए, इंटेस्टाइन में होती है, डाइपेप्टाइड को कौन तोड़ेगा, डाइपेप्टाइडेज क्या बन गए, अमाइनो एसिड बन गए अलग अलग, अमाइनो एसिड बनने का मतलब प्रोटीन का पाचन डाइजेशन कंप्लीट हो गया। माल्टोज, माल्टोज को तोड़ने वाला माल्टेज, एक माल्टोज में दो ग्लूकोज है, ये मोनोसेक्राइड है बेटा जी। लैक्टोज को तोड़ने वाला लैक्टेज जो बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टेज से। सुक्रोज को तोड़ने वाला एंजाइम सुक्रेज, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये जो माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज है ना बच्चों, ये तीनों डाइसेकेराइड है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज क्या हो गए, मोनोसेकेराइड हो गए। तो डाइजेशन कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले पॉलीसेकेराइड, फिर आए डाइसेकेराइड, और डाई से क्या बन गए, मोनोसेकेराइड। तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। तो ये जो तीनों है माल्टोज लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों बेटा जी क्या है, ये है डाइसेकेराइड, और ये जो सारे बने हैं ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रक्टोज, ये सारे बेटा जी क्या है, मोनोसैकेराइड।
तो मोनोसैकेराइड बनने का मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। तो माल्टोज माल्टेज की प्रेजेंस में, सुक्रोज सुक्रेज की प्रेजेंस में, और लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब एक दो छोटे मोटे नाम बच्चों ध्यान रख लेना, जैसे इस गैलेक्टोज को बोला जाता है ब्रेन शुगर, अपने ब्रेन में होती है इसलिए इसको कहा जाता है ब्रेन शुगर गैलेक्टोज को। ग्लूकोज को बोल देते हैं ब्लड शुगर, अपने ब्लड में मेनली ग्लूकोज है तो रक्त शर्करा पूछ लेते हैं। फ्रक्टोज, इसको फ्रूट शुगर भी बोलते हैं, सबसे स्वीट होती है, सबसे मीठी शर्करा पूछी जाए नेचुरल, तो फ्रक्टोज ये बच्चों। इधर ये जो लैक्टोज लिखा है ये लैक्टोज बेटाजी कहलाता है मिल्क शुगर, ये गाय माँ के दूध में प्रेजेंट होता है इसलिए मेनली मिल्क में होती है इसलिए लैक्टोज को क्या बोला जा सकता है मिल्क शुगर। ये कुछ वर्ड आप अलग से ध्यान रख लेना। चलें आगे। चलो फिर न्यूक्लियोटाइडेज, ये छोटा सा करेक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड है ये ना, न्यूक्लियोटाइड, टाइडेज तो एंजाइम हो गया, न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ये एंजाइम आएगा, यहां न्यूक्लियोटाइडेज, यहां न्यूक्लियोटाइड एंजाइम है न्यूक्लियोटाइडेज, फिर न्यूक्लियोसाइड एंजाइम है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज वो शर्करा और क्षार में। वसा में डाई मोनोग्लिसराइड लाइपेज की प्रेजेंस में वसी अम्ल और क्या बना देंगे ग्लिसरोल, वसी अम्ल ग्लिसरोल बनने का मतलब फैट का डाइजेशन कंप्लीट, फैटी एसिड और ग्लिसरोल बन गए, न्यूक्लिक एसिड भी टूट गया पूरी तरह से। न्यूक्लिक एसिड वाला मैं थोड़ा सा बता देता हूं फिर अपन चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पे, थोड़ा सा ये रीडिंग लगा देता हूं फिर न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दूं कि ऊपर वर्णित जैव वृहद अणुओं के पाचन की क्रिया आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है, अंडरलाइन। तो मेन जो पाचन है सर्वाधिक डाइजेशन वो कहां हो रहा है ड्यूडिनम में, ग्रहणी में हो रहा है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुधांतर और क्षुधांतर भागों में अवशोषित होते हैं, तो ड्यूडिनम में तो बच्चों डाइजेशन हो गया, उसके बाद वाले पार्ट क्या थे जेजुनम और इलियम, वहां डाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस होगी एब्जॉर्प्शन होगा। ये जो अग्र क्षुधांतर है ना ये जेजुनम ही है बच्चों, इसको मध्यांतर भी बोल दिया जाता है और वो क्षुधांतर तो इलियम होता ही है। अपचित और अनावशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले गए, तो जिनका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुआ या जो अवशोषित नहीं हुए, देख लो ड्यूडिनम में पाचन फिर जेजुनम और इलियम में अवशोषण, ये तीनों पार्ट बच्चों छोटी आंत के। अब जिसका पाचन नहीं हुआ या जो अवशोषित नहीं हुआ वो पदार्थ वहां से कहां चले गए बड़ी आंत में चले गए। बड़ी आंत में अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती क्योंकि महत्वपूर्ण क्रियाएं तो सारी की सारी कहां संपन्न हो गई छोटी आंत में। बड़ी आंत के दो काम दे रखे हैं बच्चों, पहला कुछ जल खनिज और औषधियों का अवशोषण, वहां जल खनिज और औषधियां आया था ना बड़ी आंत के कोलन में, मैंने होस्ट्रा बताए थे वो डायग्राम बना के, होस्ट्रा जो सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है वही जल औषधियों का अवशोषण करता है, मेनली जल का अवशोषण बच्चों। अब देखो यहां दे रखा है कुछ जल, और जब इसी चैप्टर की बच्चों अपन समरी पढ़ेंगे सारांश पढ़ेंगे, मैं कहता भी हूं आपको एनसीईआरटी में तो हमें कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना, तो सारांश में हर चैप्टर की समरी में कुछ ना कुछ आपको नई लाइन नए पॉइंट लिखे मिल जाएंगे। जैसे बता रखा है इसमें कि सर्वाधिक जल का अवशोषण वृहदांत्र में कोलन में होता है, कोलन बड़ी आंत का पार्ट है वृहदांत्र, तो वहां बता रखा है। और ये थोड़ा बहुत श्लेष्मा का भी स्त्रावण करता है जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ को चिपकाने और लुब्रिकेशन के कारण उनका बाह्य निकास आसान बना देगा, थोड़ा बहुत म्यूकस भी आता है तो अपचित अनावशोषित भोजन से चिपक कर लुब्रिकेशन स्नेहकता देगा ताकि इजीली वो शरीर के बाहर निष्कासित किए जा सके। अपचित और छोटा सा करेक्शन बच्चों देख लो, अपचित और अवशोषित पदार्थ लिखे ना, अवशोषित की जगह करना है अनावशोषित, ये करेक्शन है। अपचित और अनावशोषित जिनका अवशोषण नहीं हुआ है उन्हीं पदार्थों को मल कहते हैं जो अस्थाई रूप से मल त्यागने से पहले तक कहां संचित रहेंगे मलाशय में, अस्थाई रूप से फिर उन्हें एनस गुदा द्वारा समय समय पर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्लियर है। चलो अगले पैराग्राफ पे आने से पहले वो न्यूक्लिक एसिड वाला मैं थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन में ये है ना, जो न्यूक्लिक एसिड है अपन 12th एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, न्यूक्लिक एसिड बच्चों इसके डाइजेशन के स्टेप सुन लो आप, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, इन्हें डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, पहले न्यूक्लिक एसिड टूटेगा न्यूक्लियोटाइड में, बताना अपने को बेटा जी,
न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन हुआ न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोसाइड टूटा फाइनली नाइट्रोजिनस बेस और शुगर में। ये लो, तो डीएनए आरएनए बनता किससे हमें पता है बच्चों की तीन वो कंपोनेंट होते हैं, सरकरा, शुगर, नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक में प्यूरीन आता है, पाइरिमिडीन आता है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, होता ना। तो नाइट्रोजिनस बेस सबसे पहले शुगर से जुड़कर बनाता है न्यूक्लियोसाइड, जब इसमें फॉस्फेट जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना देंगे न्यूक्लिक एसिड, वो तो न्यूक्लिक एसिड बन रहा है। डाइजेशन में हमें उसको तोड़ना है, ब्रेकडाउन करना है, तो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते चलो, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, वही तो डाइजेशन है। एंजाइम कौन कौन से काम आ रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए एंजाइम आएगा न्यूक्लिएज, एज लगाते चलो आगे बच्चों, एंजाइम बन गया। न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने वाला आ गया न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइड पर एक्ट करने वाला आ गया न्यूक्लियोसाइडेज। ये लो, एज लगा तो वो क्या बन गए, एंजाइम, न्यूक्लिएज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। ध्यान रखने वाली बेटा जी बात ये है, और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि जो न्यूक्लिएज है ये तो होता है इन पैंक्रियेटिक जूस, ये वाला एंजाइम तो हमें कहां मिलेगा, अग्नाशय रस में मिलेगा न्यूक्लिएज। तो आगे वाले जो दोनों है न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज, ये बेटा जी हो गए इन इंटेस्टाइनल जूस, ये दोनों एंजाइम मिलेंगे आंत्रीय रस में, ये ध्यान रखना। आंत्रीय रस जिसको बोला सक्कस एंटेरिकस, बिल्कुल उसमें मिलेंगे। चलें फिर वापस आपकी लाडे सर प्यारी एनसीईआरटी पर आ जाओ। एनसीईआरटी का अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है आपसे, सुनते हैं उसकी भी। चलो बेटा जी नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ। जठरांतरिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण में होती है। बच्चों वैसे एक सिंपल सी बात याद रख लो कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन है उसे दो तरह से कंट्रोल किया जाता है। मेन कंट्रोल का काम तो आपके ब्रेन का है, अपने नर्वस सिस्टम का है, साथ साथ में बच्चों हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन भी उस एक्टिविटी को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। तो न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम और हार्मोन, ये अलग अलग एक्टिविटी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बॉडी के ऑर्गन्स उनके फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो न्यूरॉन का भी रोल है, हार्मोन का भी रोल है, वो अपन बात करते हैं, यही कह रहा है। जठरांतरिक पथ, जठरांतरिक बच्चों जीआईटी वर्ड आता ना, फुल फॉर्म बोलता हूं मैं, गैस्ट्रो आई से इंटेस्टाइनल और ट्रैक्ट, ये शॉर्ट में जीआईटी आ जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो वर्ड फॉर स्टमक आमाशय, इंटेस्टाइनल फॉर इंटेस्टाइन आमाशय आंत, जठरांत्र जठर आमाशय, उनसे कुछ हार्मोन आते हैं जो इन एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। कौन से, तो भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध और मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति लार ग्रंथियों के स्त्राव को उद्दीप्त करती है। मतलब बेटा जी जो लार का स्त्रावण है वो एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन माने प्रतिवर्ती क्रिया, नाम सुना है। अरे पिन चुभोने पर, पिन चुभाई हाथ हटा लिया, सिखाना पड़ता है क्या अपने को, पिन किसी ने पिक की अपने आप हाथ अड़ गया, रिफ्लेक्स एक्शन होता ना। वैसे ही बच्चों अपना फेवरेट फूड मिठाई देखती, फेवरेट मिठाई देख ली, अच्छा खाना, उसकी खुशबू है उस फूड को देखकर, या फूड बक्कल कैविटी माउथ कैविटी में जाती, ऑटोमेटिकली क्या रिलीज होगी, सलाइवा, लार। हम कहेंगे नहीं, हम बॉडी को बोलेंगे नहीं कि भाई तू लार छोड़, अपने आप आएगी, रिफ्लेक्स है, प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसे, भोजन को देखने से, भोजन की गंध से और मुख गुहा में भोजन की उपस्थिति से ऑटोमेटिकली क्या सिक्रीट हुआ, सलाइवा, लार का स्त्रावण हुआ, बिल्कुल। इसी प्रकार जठर और आंतरिक स्त्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीप्त होते हैं। मैं बताता हूं कौन सी तंत्रिका इसमें रोल प्ले करती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। वो जो क्रमांकुंचन गतियां हैं उनको भी बच्चों नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट कंट्रोल करते हैं। कैसे, हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और आंतरीय म्यूकोसा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों के स्त्राव को कंट्रोल करते हैं। तो कुछ हार्मोन भी इस मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूं मैं बच्चों। यहां देखो नर्वस में तो याद रख लेना, एक नर्वस सिस्टम का बच्चों पार्ट होता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सुना आपने,
स्वायत्त का मतलब ऑटोनिम, स्वतः होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला। इस ऑटोनोमस के बेटा जी दो पार्ट होते हैं, दो ब्रांच मान लो, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बातें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अनुकंपी, पैरासिंपैथेटिक परानुकंपी, दो ब्रांच है, दोनों के देखो फंक्शन। अब ये समझ लेना आप, सिंपैथेटिक तो क्या करता है, एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल से संबंधित क्रियाओं को इनहिबिट करेगा, संदमित करेगा, रोकेगा। ध्यान रखने वाली बात है बेटा जी, सुन रहे हो गया आप। और पीएसएनएस क्या करेगा, एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करेगा, क्या गया भाई, स्टिमुलेट करेगा, उसे प्रेरित करेगा, उद्दीप्त करेगा। दोनों के काम एक दूसरे के एंटी है, विरोधी है। कैसे समझो, ऑटोनोमस के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को मैं हिंदी में बोल देता हूं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और पैरासिंपैथेटिक बेटा जी कहलाएगा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। क्या याद रखना है कि जो एसएनएस है, जो सिंपैथेटिक है, उससे अगर सिग्नल आएंगे, वो अगर एलिमेंट्री कैनाल को आवेग देगा तो आहार नाल की एक्टिविटी संदमित होगी, इनहिबिट का मतलब संदमित होगी, कम होगी एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी। अब कोई भी एक्टिविटी आ जाए, आपसे बोल दिया कि लार्का स्त्रावण, आहार नाल की एक्टिविटी है। अपने से बोल दे बच्चों क्रमांकुंचन गतियां, आहार नाल का ही पार्ट है। जठर रस का स्त्रावण, पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल से संबंधित कोई भी एक्टिविटी अगर आपसे बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको क्या करेगा, कम करेगा, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उन एक्टिविटी को स्टिमुलेट, प्रेरित करेगा, बढ़ाएगा। जैसे मैंने कह दिया कि अगर बच्चों सिग्नल अनुकंपी तंत्रिका से आ रहे हैं, एसएनएस से आ रहे हैं, तो एसएनएस से आ रहे हैं तो एसएनएस से आ रहे हैं तो क्रमांकुंचन की स्पीड फास्ट होगी कि स्लो, बिल्कुल स्लो होगी, क्योंकि उस एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इनहिबिट, जबकि पीएसएनएस उसे बढ़ाएगा। क्लियर, ये न्यूरॉन नर्वस से कनेक्टेड चीज आ गई। हार्मोन की बच्चों बात करें, दूसरा हार्मोन दे रखा है तो इस चैप्टर में तो नहीं बता रखे, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर है, इसी 11th एनसीईआरटी का लास्ट 22nd चैप्टर, उसमें तीन चार हार्मोन बच्चों बता रखे हैं, जैसे गैस्ट्रिन बता रखा है, वहीं आ जाएंगे। वैसे वो गैस्ट्रिन नाम ही गैस्ट्रिन, गैस्टर स्टमक आमाशय से रिलीज होने वाला हार्मोन है। ये हार्मोन जब आमाशय में फूड आएगा तो आमाशय की सेल से गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को प्रेरित करेगा, गैस्ट्रिन हार्मोन है। ऐसे इसका एक विरोधी आता है बच्चों जीआईपी, ये हार्मोन के नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जठर संदमक पेप्टाइड हार्मोन, तो नाम ही इनहिबिटरी है, तो ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को संदमित करता है हार्मोन है। एक सिक्रीटिन आता है, कोलेसिस्टोकाइनिन, ऐसे कई हार्मोन है बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल से सिक्रीट होते हैं, ये सारे अपने एंडोक्राइन सिस्टम में कर रखे हैं। क्लियर, और वैसे जो अपने नोट्स हैं मैंने वहां बता रखे हैं, एनसीईआरटी के इस चैप्टर में इनको डिटेल में नहीं दे रखा, ठीक है। चलें अपन आगे, तो एलिमेंट्री कैनाल की जो एक्टिविटी है वो न्यूरॉन और हार्मोन दोनों के बच्चों कंट्रोल में होती है। एक ये चीज भी ध्यान रख लेना, अपने ब्रेन का बच्चों एक पार्ट है ना हाइपोथैलेमस, सुना है बेटा जी आपने, इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, ब्रेन का पार्ट, वही जो पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। इस हाइपोथैलेमस के पास हंगर एंड थर्स्ट सेंटर होते हैं, भूख और प्यास का केंद्र भी इसी के पास होता है। तो कहने का मतलब जो भूख और प्यास है, भूख लगना प्यास लगना, इन सब का कंट्रोल ब्रेन में कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है। अब लो अगला पैराग्राफ, ये नई एनसीईआरटी में दे दिया यही ये पैराग्राफ, पुरानी एनसीईआरटी में बच्चों ये बिल्कुल लास्ट में दे रखा है सप्लीमेंट्री मेटेरियल में। इस पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, ये पैराग्राफ ये बता रहा है कि जो भोजन आप ले रहे हो उसे कितनी एनर्जी अपने को मिलती है, क्योंकि बच्चों काम करने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना, और भोजन से आपको ऊर्जा ही मिलती है जिससे अपना शरीर चलता है। तो जो एनर्जी है, पहला तो उसका मापन, जो फूड से बच्चों भोजन से जो ऊर्जा मिल रही है, जो आपको पर डे चाहिए, कितनी ऊर्जा क्या चाहिए, उसका मापन होता है किलो कैलोरी में, उस ऊर्जा को मापन कहते हैं हम किलो कैलोरी, जूल ये बता रखा है कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है।
एक ग्राम जल के ताप को एक डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ऊर्जा की मात्रा है, ये ऊर्जा अत्यंत मात्रा में, मतलब ये दे रखा है इसमें। अब इसमें जो मेन चीज है ना, मैं वो आपको ही बता दूं कि किस से कितनी ऊर्जा आपको मिलती है वो थोड़ा सा अपन बताएं। यहाँ देखो, मैं एक छोटे से डेटा दे रखे हैं बच्चों, इनमें से पूछा जा सकता है कि भोजन में तीन मेन अवयव है अपने पास, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। फूड के तीन कंपोनेंट है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इनसे अपने को कितनी ऊर्जा मिलती है, मान लो इन तीनों की एक ग्राम मात्रा ली जाए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की एक एक ग्राम अपन मात्रा लें, कितनी एनर्जी मिले वो कह रहा है। और यहां दो इसके, एक तो जीसीवी, एक बच्चों वैल्यू दे रखी है पीसीवी। पीसीवी की फुल फॉर्म है फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू, फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू, इंग्लिश में वर्ड याद रख लियो। और जीसीवी है ग्रोस कैलोरी वैल्यू, कैलोरी, किलो कैलोरी में एनर्जी को मेजर किया जाता है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन लेने से एक ग्राम इन तीनों की मात्रा से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी उसकी बात कर रहा हूं। अब पहला देखो, जीसीवी ग्रोस कैलोरी वैल्यू का मतलब हुआ बच्चों कि ये जो एनर्जी है वो मिलती है जीसीवी तो इन लेबोरेटरी, मतलब अपने शरीर के अंदर नहीं, वो एनर्जी बच्चों शरीर के बाहर प्रयोगशाला में किसी एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बेटा जी बॉम्ब कैलोरी मीटर, एक उपकरण है बॉम्ब कैलोरी मीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस उपकरण के अंदर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देगा, एक ग्राम फैट आपको कितनी एनर्जी देगा, एक ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा, वो वैल्यू कहलाएगी जीसीवी, ग्रोस कैलोरी वैल्यू। कहां? बॉडी के बाहर। बाहर कहां? एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा मैंने बॉम्ब कैलोरी मीटर। दूसरा बच्चों पीसीवी, ये जो एनर्जी है वो इनसाइड द बॉडी सेल, शरीर की कोशिकाओं के अंदर, बॉडी की सेल के अंदर एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे रहा है वो वैल्यू क्या कहलाई पीसीवी, और बॉडी के बाहर इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी रिलीज करना वो वैल्यू क्या कहलाई जीसीवी। मामला क्लियर है? अब चलो एनर्जी कितनी आती है वो वैल्यू बच्चों ध्यान रखना आपको। जैसे मैंने बताया एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से यहां बेटा जी 4.1 किलो कैलोरी, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी दे रहा है 4.1 किलो कैलोरी, फैट से 9.45 किलो कैलोरी और प्रोटीन से 5.65 किलो कैलोरी। ये लो, ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये वैल्यू है बॉडी के बाहर। अब पीसीवी में बात करें, पीसीवी में बेटा जी बॉडी सेल्स के अंदर की अगर मैं बात करूं, अंदर की अगर बात करें तो देख लो इसकी वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट 4.0 किलो कैलोरी, फैट 9.0 और प्रोटीन 4.0 किलो कैलोरी। तो जब आप इस टेबल को देखेंगे, इन डेटा को देखेंगे, तो एक छोटी सी बात दिमाग में आएगी बच्चों कि जो पीसीवी की वैल्यू है, फिजियोलॉजिकल कैलोरी वैल्यू है, इसका जो मान है वो जीसीवी के कंपेयर थोड़ा सा कम होता है, मतलब बॉडी सेल्स में जो एनर्जी लिबरेशन है वो कंपैरेटिवली कम होगा। ऐसा बताते हैं कि कुछ ऊर्जा बच्चों हीट उष्मा में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ध्यान रख लेना। आपसे पूछ ले एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना, 4 किलो कैलोरी, फैट से 9 और प्रोटीन से 4। तो क्वेश्चन आ गया सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, प्रोटीन, फैट की, कार्बोहाइड्रेट, तो आपका आंसर क्या जाएगा फैट, फैट से ज्यादा हो रही, कार्बोहाइड्रेट के डबल से भी ज्यादा हो रही है। लेकिन शरीर की सेल सबसे पहले किसे यूज करती है, तो अपना आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का नंबर आता है ऑक्सीडेशन में। क्लियर है फंडे, ये टेबल बस याद रख लियो। चलो वापस आपके एनसीईआरटी पे आते हैं, तो ये पैराग्राफ ही है, बस ये वैल्यू बेटा जी आपको ध्यान रखनी है किससे कितनी क्या एनर्जी, और वो किलो कैलोरी में, बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन से भरा हुआ धातु का एक बंद कक्ष बर्तन है, इसे बोला गया है बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलो फिर आगे डाइजेशन के बाद अगले पॉइंट पर आते हैं बच्चों। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तो उन डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन से प्राप्त उत्पाद आंतरीय म्यूकोसा से निकलकर रक्त या लशिका में प्रवेश करते हैं। तो अवशोषण बच्चों या तो जैसे अपनी इंटेस्टाइनल, ये इंटेस्टाइन है, यहां ये म्यूकोसा है सबसे अंदर, ये मान लो पचित भोजन है, तो भोजन में तीन चीजें हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बताया था कि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है ये फैट है,
प्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन तो किसमें होगा, ब्लड में, और वसा का एब्जॉर्प्शन बेटा जी किसमें होगा, लिम्फ या लशिका में, ध्यान है ना, ये चीज विलाई में आ गई थी। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो रक्त में अवशोषित होते हैं और वसा अवशोषित होती है लशिका लिम्फ में, क्यों आगे करते हैं डिस्कस। तो अब जो अवशोषण है बच्चों को देखना, अवशोषण निष्क्रिय सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधियों द्वारा संपादित होता है। निष्क्रिय सक्रिय का मतलब अगर बच्चों अवशोषण के दौरान आपको ऊर्जा खर्च करनी पड़े, भई नियम के विरुद्ध अगर काम होता हो, नियम मतलब ये हुआ कि बेटा जी अवशोषण अगर सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता हो, देखो सांद्रता प्रवणता क्या कहती है, हाई टू लो, तो कोई भी पदार्थ जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है बच्चों, ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार है, नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार है, तो आपको ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। और जब बच्चों ऊर्जा खर्च नहीं हुई तो इस एब्जॉर्प्शन को मैं क्या बोल सकता हूं, पैसिव, निष्क्रिय, जिसमें एटीपी खर्च नहीं होंगे। अगर बेटा जी यही हो जाए लो टू हाई नियम के विरुद्ध, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। एनर्जी दोगे तो वो अवशोषण क्या कहलाएगा, एक्टिव कहलाएगा, सक्रिय कहलाएगा। चलो कौन पैसिवली होता है कौन एक्टिवली होता है वो अपन समझते हैं, और समझते क्या पहले थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं। एक्टिव पैसिव में दो चार चीजों का ध्यान रखना बेटा जी आपको, कि जैसे ग्लूकोज, सम एमाइनो एसिड और एक कैटायंस, धनायन बेटा जी, सिंपल तरीके से बता देता हूं, ग्लूकोज एमाइनो एसिड और सोडियम धनायन, ये इनकी कुछ मात्रा एक्टिवली एब्जॉर्ब होती है, सक्रिय अवशोषण होगा जिसमें आपको क्या देनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च होगी। एक्टिव का मतलब एटीपी या ऊर्जा क्या हो रही है, बोलो खर्च हो रही है। अगला, इसी ग्लूकोज की कुछ मात्रा कुछ एमाइनो एसिड और ऋणायन क्लोराइड वगैरह जो एनायन है बच्चों, इनकी कुछ अमाउंट पैसिवली भी एब्जॉर्ब होती है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी। फैटी एसिड भी इंक्लूड कर सकते हो, वशीय अम्ल भी, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की एमिनो एसिड की कुछ मात्रा सक्रिय है कुछ निष्क्रिय भी होती है, ऋणायन हमेशा निष्क्रिय, धनायन हमेशा सक्रिय। ऐसे बेटा जी ग्लूकोज फ्रक्टोज और कुछ एमाइनो एसिड वाहक प्रोटीन की सहायता से, कैरियर प्रोटीन की सहायता से भी एब्जॉर्ब होते हैं, इसको बोलते हैं सुसाध्य परिवहन। इंग्लिश में बेटा जी बोला फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, ये लो ये ध्यान रखना है। और जो जल होता ना बेटा जी, पानी जो है वो ऑस्मोटिक प्राशनीय सांद्रता के अनुसार अवशोषित होगा, वही हाई टू लो। ये जो मैंने चार्ट बनाया इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड बच्चों सब में इंक्लूड हो गया, यहां ग्लूकोज एमिनो एसिड और धनायन हमेशा एक्टिव, ग्लूकोज एमिनो एसिड और ऋणायन पैसिव भी होते हैं, ऋणायन पैसिव होंगे हमेशा, धनायन हमेशा एक्टिव होगा, फैटी एसिड आगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज एमिनो एसिड कैरियर प्रोटीन के साथ एब्जॉर्ब होंगे जिनको सुसाध्य परिवहन कहते हैं, पानी ऑस्मोटिक। क्या समझे इस बात से, ग्लूकोज और एमिनो एसिड तीनों में इंक्लूड है, वो एक्टिवली भी एब्जॉर्ब हो रहा है, वो पैसिवली भी हो रहा है, वो फैसिलिटेटेड भी हो रहा है, ऑल ऑफ दिस तीनों। अगर आपको एक बताना हो कि ग्लूकोज का मेनली एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एक आंसर देना हो तो अपना मेनली आंसर क्या करोगे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब उसमें फैसिलिटेटेड क्या है तो पढ़ते हैं अपन, प्लांट फिजियो में आता भी है। फैसिलिटेटेड में क्या होता है, छोटा सा बच्चों डिफरेंस है, डिफरेंस ये है फैसिलिटेटेड में, ये हुआ कैरियर प्रोटीन की सहायता से, जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन मैंने ले ली, ये मान लो ग्लूकोज है। अब सेल मेम्ब्रेन में बच्चों स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है, इन प्रोटीन को बोला जाता है कैरियर प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जिसका काम ही मटेरियल को लाना ले जाना, वाहक। तो अगर ग्लूकोज इस कैरियर प्रोटीन की हेल्प से एब्जॉर्ब हो रहा है देन इट्स कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, सुसाध्य परिवहन, इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, भी एक तरह से पैसिव भी होता है। समझ गए बात, बता दोगे पानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से होता ही है, क्लियर है। मैं चलूं आगे, आ जाओ एनसीईआरटी पे।
अब बता रहा है, एक बच्चों टेबल दे रखी है, इस टेबल में बता रखा है कि कौन सी जगह मेनली किन प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो मुख में कुछ औषधियां जो मुख और जीभ की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती है और वहां वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो कुछ मेडिसिन वगैरह बच्चों अपनी जीभ में, टोबेको वगैरह भी जीभ की जो ब्लड वेसल्स है डायरेक्ट वहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आमाशय में जल, सरल शर्करा और अल्कोहल का अवशोषण, अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल का मेनली अवशोषण स्टमक में होगा, आमाशय में होगा। सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो क्या लिखा है? पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य अंग है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां पर पाचन की क्रिया पूरी होती है और पाचन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, फ्रक्टोज, वसी अम्ल, ग्लिसरोल, एमिनो अम्ल म्यूकोसा द्वारा रक्त और लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ब्लड में और फैट लिम्फ में एब्जॉर्ब हो जाएगा। बड़ी आंत की बात आए तो बच्चों जल, कुछ खनिज और औषधियों का अवशोषण कहाँ हुआ? बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में अवशोषण की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए वो चैम्बर क्या बताए थे मैंने आपको? होस्ट्रा, जो कोलन में थे, वृहदांत्र में थे। ठीक है ना, क्लियर? चलो फिर आगे क्या कह रहा है। थोड़ी बहुत मात्रा सरल विषण द्वारा, किसकी मात्रा? ये यहां दे रखा है, ये रहा कि सुसाध्य परिवहन तीनों है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और क्लोराइड आयन। बच्चों देखो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड का मतलब ऋणायन है, ऋणायन हमेशा कौन सी मेथड से? पैसिव, और धनायन एक्टिव। तो क्लोराइड आयन की बात करा, देख लो क्या है, क्लोराइड आयन की थोड़ी सी मात्रा सरल विश्रण द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। डिफ्यूजन हाई टू लो पैसिव। इन पदार्थों का रक्त में पहुंचना सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है, सांद्रता प्रवणता हाई टू लो, उसको आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल दोगे, नियम के अनुसार चलेगा। हालांकि ग्लूकोज और एमाइनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से अवशोषित होते हैं, इस क्रियाविधि को सुसाध्य परिवहन कहा जाता है। क्लियर, वाहक प्रोटीन के साथ होगा तो सुसाध्य फैसिलिटेटेड बोल देंगे। अब बच्चों जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, जिन बच्चों के पास, उसमें यहां दे रखा है ग्लूकोज की जगह दे रखा है फ्रक्टोज और एमिनो एसिड सोडियम के साथ अवशोषित होते हैं, जिसको सुसाध्य परिवहन। उस लाइन को बेटा जी करेक्शन कर लेना, नई एनसीईआरटी में लाइन आ गई है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड वाहक प्रोटीन के साथ जब एब्जॉर्ब होंगे ना, तब हम उसको बोलेंगे सुसाध्य परिवहन, इसमें भी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती। ठीक है, करेक्शन है, ये कर लियो, यहां से ये नहीं एनसीईआरटी अपने पास। अगला, जल का परिवहन प्राशनीय प्रवणता पर निर्भर करेगा। सक्रिय परिवहन बच्चों सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, मतलब लो टू हाई होगा। तो हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। विभिन्न पोषक तत्वों जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज और सोडियम आयन का रक्त में अवशोषण इसी क्रियाविधि द्वारा होता है। सोडियम धनायन है बच्चों, धनायन हमेशा एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे। क्लियर है, चलो फिर आगे। अब बच्चों वसा वाला थोड़ा सा बता रखा है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरोल रक्त में अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। अब देखो ये मैंने बताया था ना, फैट का एब्जॉर्प्शन बच्चों सीधा ब्लड में नहीं होगा, पहले वो लिम्फ में एब्जॉर्ब होगा। कैसे होगा? तो एक सिंपल सी प्रोसेस है, मैं बता देता हूं पहले, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं कि फैट का जो डाइजेस्टेड फॉर्म है वो कौन है? फैटी एसिड है। फैटी एसिड और फैट किस में? ग्लिसरोल में। ये तो है फैटी एसिड और ग्लिसरोल, इनका जब एब्जॉर्प्शन होता है ना बेटा जी, तो ये बाइल सॉल्ट के साथ मिलकर पित्त जो लवण है उनके साथ, तो जैसे फैटी एसिड है, ग्लिसरोल है, ये ऐसे बेटा जी फैटी एसिड के साथ मान लो ये बाइल सॉल्ट और आ गए, इस कंबाइनली स्ट्रक्चर को एक नाम दिया जाता है मिसेल मॉलिक्यूल। तो फैटी एसिड और बाइल सॉल्ट मिलकर क्या बनाएंगे? मिसेल मॉलिक्यूल। इनका जो एब्जॉर्प्शन है, जैसे मान लो ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, यही तो है एलिमेंट्री कैनाल की इनर लेयर बच्चों, म्यूकोसा थी, ये लो म्यूकोसा के अंदर ये रे ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड के साथ मान लो ये बाइल सॉल्ट और ऐड हो गए, ये ल्यूमेनी तो है। अब इस मिसेल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया जाएगा, म्यूकोसा की एपिथीलियम एब्जॉर्ब करेगी, तो दोनों कंबाइनली क्या बनाए? मिसेल मॉलिक्यूल। इसे एब्जॉर्ब करेगा अपनी म्यूकोसा की एपिथीलियम, अरे इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा ही तो है, उसकी उपकला अवशोषित कर लेगी, बस बाइल सॉल्ट हेल्पफुल है। अवशोषित करने के बाद बेटा जी म्यूकोसा की एपिथीलियम में एंट्री लेंगे एसईआर में,
एपिथेलियल सेल है ना, उस सेल में कहां जाएंगे, उस सेल की SER, याद आ गया SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बच्चों थोड़ा याद रख लेना। एक RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम लगे रहते हैं। राइबोसोम का रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस, सेल बायो से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए। RER प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेट है, वाइल SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसाइज से कनेक्टेड बच्चों होती है। तो ये हम फैट की यहां बात कर रहे हैं। तो एपिथेलियम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आई और वहां इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई काइलोमाइक्रोन, यहां एक स्ट्रक्चर बनी काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या है ये थोड़ा सा बताऊं मैं आपको। काइलोमाइक्रोन बेटा जी एक्चुअल में लाइपोप्रोटीन होते हैं, लिपिड और प्रोटीन से मिली स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे लाइपो प्रोटीन। लिपिड तो है साथ में प्रोटीन जुड़ गया, लाइपो प्रोटीन। अब ये जो काइलोमाइक्रोन है ये एब्जॉर्ब होंगे पहले ब्लड में नहीं, ये लिम्फ में एब्जॉर्ब होते हैं। तो काइलोमाइक्रोन को किस में एब्जॉर्ब किया, लशिका वाहिनियों में, लिम्फ वेसल्स। और कल बेटा जी एक अपने इससे पहले एक वर्ड भी बताया था ना, लिम्फ वेसल्स को क्या बोला गया, लैक्टियल। फाइनली ये लिम्फ से ड्रेन्स इनटू सबक्लेवियन वेन, हमेशा लिम्फ में नहीं रहते, वहां से वो ब्लड में आ जाते हैं और जिस वेन में बेटा जी वो आते हैं वो कहलाएगी सबक्लेवियन वेन। अब थोड़ा सा इसको समझो आप, फिर अपन एनसीईआरटी पे आते हैं। कैसे फैट के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं, फैट का बच्चों जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। फैट का एब्जॉर्प्शन में बाइल सोल्ट का रोल है, बाइल सोल्ट फैट के डाइजेशन में भी, इमल्सिफिकेशन में भी रोल प्ले कर रहा था, एब्जॉर्प्शन में भी। फैटी एसिड बाइल साल्ट मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको मिसेल नाम दिया। ये सब इंटेस्टाइन में तो है, ल्यूमेन में, म्यूकोसा के पास। अब इसे म्यूकोसा एब्जॉर्ब कर लेगी, म्यूकोसा की सेल एपिथीलियम उपकला में आ गई। म्यूकोसा की एपिथीलियम में जो SER है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें ये जो लिपिड है बच्चों वो काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। काइलोमाइक्रोन का मतलब लिपिड के साथ कौन आ गई, प्रोटीन आ गई, इनको मिला करके हम बोलेंगे लाइपोप्रोटीन, काइलोमाइक्रोन। इन काइलोमाइक्रोन को ब्लड की बजाय किसमें एब्जॉर्ब किया जाएगा, लिम्फ में। तो फैट का एब्जॉर्प्शन किसमें हुआ, लिम्फ लशिका, इसको लैक्टियल बोलते हैं। अब ये लिम्फ क्या होती है बच्चों, बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर में आती है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बता रखा है। लिम्फ जो वेसल्स होती है ना, फाइनली ये ब्लड वेसल्स में खुल जाती है और ये एक ब्लड वेसल्स है सब क्लेवियन सीरा। ये यहां इतना याद रख लो, सब क्लेवियन जो वेन है ना वो अपने हाथ, बच्चों ऐसे दो लिम्फेटिक वेन होती है अपनी दोनों साइड से आती है, वो लिम्फ वेसल्स हाथ की जो सिराएं होती है, फोरलिम की जो वेन है उनको कहा जाता है सब क्लेवियन वेन, फाइनली वो इसमें खुल जाती है। अब ये समझ आएगा ना तब एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ अपन इजीली देखेंगे। देख लो इसको अच्छे से, बिल्कुल सिंपली तरीके से आपको मैंने बता दिया कैसे फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके फिर आप देख लियो। अब चलो इस पैराग्राफ को अपन डिस्कस करते हैं कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होने के कारण रक्त में अवशोषित नहीं होते, डायरेक्ट ब्लड में नहीं आएंगे। सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरीय म्यूकोसा में चले गए, जिन्हें मिसेल कहते हैं, मतलब मिसेल मोलिकूल के रूप में अवशोषित हो गए, आंत्र की म्यूकोसा में आ गए। यहां प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं में पुनः संरचित होकर, तो किससे जुड़कर, प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिकाओं, इन्हीं का नाम बेटा जी क्या था, काइलोमाइक्रोन। एनसीईआरटी इंग्लिश वाली में वर्ड दे रखा है, आप भी मेंशन कर लेना, प्रोटीन लिपिड मिलकर वापस क्या बना देगा, काइलोमाइक्रोन। और फिर वो अंकुर की लिम्फ वेसल्स में चले गए, अंकुर माने विलाई, विलाई की लिम्फ वेसल्स या लैक्टियल में अवशोषित हो गए। ये लशिका वाहिनियां अंततः अवशोषित पदार्थों को रक्त प्रवाह में छोड़ देगी, तो लिम्फ वेसल्स फाइनली किस में घुलेगी, ब्लड वेसल्स में, और उसका नाम मैंने बताया था सब क्लेवियन वेन, जो अपने हाथ से कनेक्टेड वेन होती है उसमें आ जाएगी। चलो नेक्स्ट, पदार्थों का अवशोषण आहार नाल के विभिन्न भागों, मुख, आमाशय, छोटी और बड़ी आंत में होता है, परंतु अंडरलाइन कर लेना सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो सबसे अधिक पाचन और सबसे अधिक अवशोषण दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है बच्चों। अवशोषण का सारांश वो अपन उस टेबल में देखा है। अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाते हैं। इस क्रिया को स्वांगीकरण, अंडरलाइन, एसिमिलेशन कहते हैं। अब होता क्या है ये बच्चों, जैसे मान लो ग्लूकोज, ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट का पचित रूप और प्रोटीन का पचित रूप एमाइनो एसिड है। फैट का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो फैटी एसिड है, सब एब्जॉर्ब हो गए ब्लड में, लिम्फ में सब आ गए। अब यहां से इनका काम क्या है, तो ये अवशोषित तो ब्लड में हो गए ना,
ब्लड इन्हें शरीर की सेल्स और टिश्यू तक भेज देगा। भाई इंटेस्टाइन से उनको ब्लड ने ले लिया और ब्लड उन्हें बॉडी की हर सेल्स और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब सेल्स और टिश्यू में इन पचित भोजन का क्या काम है? सीधी सी बात है, ग्लूकोज है तो एनर्जी देगा, देता ही है। वो रिएक्शन आप पढ़ के आए हो, C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ 6O2 ATP बनेगी ना, CO2H2 ATP। एमाइनो एसिड बच्चों सेल्स में जाकर जो आवश्यक प्रोटीन है वो बना देंगे। तो कहने का मतलब जो भोजन आपने लिया है, जो पचित भोजन है, उसे इंटेस्टाइन से रक्त में लिया, रक्त उसे शरीर की अलग अलग सेल्स और टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट कर देगा, पहुंचा देगा। सेल्स और टिश्यू द्वारा उस पचित भोजन का उपयोग करना, अपने फायदे के लिए यूज करना, वही प्रोसेस क्या कहलाई? स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। क्या कह रहा लाइन? अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं जहां वे विभिन्न क्रियाओं के उपयोग में लाए जाएंगे। इस क्रिया को बेटा जी क्या कहा? एसिमिलेशन कहा। चलो आगे चलो। पाचक अपशिष्ट मलाशय में कठोर होकर संबंध मल बन जाता है। अनावशोषित और अपचित भोजन अब रेक्टम मलाशय में संचित हो गया, मल कहलाएगा। जो तंत्रिकीय प्रतिवर्ती क्रिया को शुरू करेगा जिससे मल त्याग की इच्छा पैदा होती है, ब्रेन से सिग्नल आएंगे बच्चों। मल द्वार से मल का बहिक्षेपण एक ऐच्छिक क्रिया है जो क्रमाकुंचन गति से पूरी होती है। तो एनएस द्वारा मल का त्याग क्या कहलाएगा? मल त्याग। और इसे वैसे बेटा जी इंग्लिश में एक वर्ड लिख सकते हो, डीफिकेशन या इजेशन। मल का त्याग डीफिकेशन या इजेशन कहलाता है। रिफ्लेक्स, न्यूरल रिफ्लेक्स सिग्नल आता है, वॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है। अब चलो बच्चों पाचन तंत्र के लास्ट अपन डिसऑर्डर की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से रोग विकार है उन पर अपन डिस्कस करें। तो आंतरनलिका का शोथ, शोथ का मतलब बेटा जी सूजन, सूजन आना, जीवाणु और विषाणुओं के संक्रमण से होने वाला एक सामान्य विकार है। तो बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन से इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ जाती है, उसकी बात हो रही है। आंत्र का संक्रमण विभिन्न परजीवी जैसे फीताकृमी, गोलकृमी, सूत्रकृमी, पिनवर्म आदि से भी होता है। ये अपन हेल्थ डिजीज वाले चैप्टर में आते हैं बच्चों। फीताकृमी प्लेटीहेलमिंथी संघ का मेंबर है, टेप वर्म बोलते हैं। गोलकृमी एस्केरिस है, राउंड वर्म एस्केलमंथीज का मेंबर है। ये हुक वर्म, सूत्रकृमी, पिन वर्म, चुन्ना कृमी भी बोलते हैं बच्चों, एंटेरोबियस, ये एस्केलमंथीज के मेंबर है जो अपनी आंत के अलग अलग भागों के परजीवी है, वहां संक्रमण करते हैं, सूजन उत्पन्न करते हैं। ये अलग अलग परजीवियों के नाम है। अब रोग में पहला बच्चों पीलिया, जॉन्डिस बता रहे थे ना, त्वचा, आंखें, नाखून पीले पड़ जाते हैं। तो पहली लाइन, इसमें यकृत प्रभावित होता है, ये पूछा गया है बच्चों। पीलिया रोग में कौन सा ऑर्गन प्रभावित होगा? लीवर, क्योंकि पीलिया रोग में पित्त वर्णक बढ़ जाते हैं, पित्त वर्णक बाइल, बाइल बना यकृत में। चलियो हेपेटाइटिस, पीलिया में त्वचा, आंख, पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। दूसरा वमन, वोमिटिंग, उल्टी आना बच्चों, ये क्या कर रहा है? आमाशय में संचित पदार्थों का मुख से बाहर निकलने की क्रिया है। ये प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला में स्थित वमन केंद्र से नियंत्रित होती है, अंडरलाइन। और वमन उल्टी से पहले बेचैनी की अनुभूति, तो जब उल्टी आती है उससे पहले जी घबराना बच्चों, वो वाले सिम्टम होते हैं। और देखो वमन केंद्र, एक चीज सुन लेना, जो वोमिट सेंटर है, मैं सिंपली बता दूं बच्चों कि जो इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है ना, अनैच्छिक क्रियाएं, अरे हमें पता है बॉडी की हर एक्टिविटी को ब्रेन ही तो कंट्रोल करता है, आपका नर्वस सिस्टम। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं बच्चों, ऐसी क्रियाएं जिन पर अपना डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे आपके हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। आमाशय की क्रमाकुंचन आपके कंट्रोल में है? नहीं है। तो ये अनैच्छिक प्रोसेस होगी बच्चों, उल्टी आना इनवॉलंटरी अपने आप है। तो बॉडी के सीधा सा याद रख लो, जितनी भी इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, उनका कंट्रोल ब्रेन का कौन सा पार्ट करेगा? मेडुला ओमलोगेटा करेगा। ब्रेन में एक पार्ट है, एक भाग है, मेडुला ओमलोगेटा, उसके पास कौन सा सेंटर है? इनवॉलंटरी क्रियाओं को कंट्रोल करने का सेंटर। तो मैं पूछूं हार्ट बीट का कंट्रोल मेडुला, ये वमन, वो वोमिटिंग, उल्टी आना भी इनवॉलंटरी, उसका कंट्रोल मेडुला। तो लाइन आ रही है ना कि जो वमन केंद्र है वो ब्रेन के किस भाग में है? मेडुला ओमलोगेटा में। तो जो अपचित आमाशय का भोजन है वो वापस मुख से बाहर आ जाएगा। अब इसमें एक चीज ये भी समझ लो, भोजन आगे की ओर जाता ना, इसे नीचे, इसको बच्चों आप पेरिस्टालिसिस बोलते हो, क्रमाकुंचन। उल्टी आते समय काम उल्टा हो रहा है, अंदर से भोजन वापस बाहर आ रहा है, इसको आप बोल सकते हो रिवर्स पेरिस्टालिसिस, प्रतिक्रमाकुंचन, रिवर्स, अंदर से भोजन वापस बाहर, बिल्कुल। चलो अगले डिसऑर्डर की बात करते हैं, डायरिया, लूज मोशन, उल्टी, दस्त बच्चों।
आंत्र की असामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना डायरिया कहलाता है। इससे भोजन अवशोषण की क्रिया कम हो जाएगी, अवशोषण कम होगा निष्कासन ज्यादा होगा, डायरिया है, लूज मोशन है बेटा जी। नेक्स्ट, इसके विपरीत कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज में वृहदांत्र में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। कोलन में मल जमा हो गया, बाहर नहीं आ रहा, म्यूकस कम है, खाने में फाइबर हम कम ले रहे हैं, तो मल का प्रॉपर निष्कासन नहीं होना कॉन्स्टिपेशन कहलाता है बच्चों। अपच, इनडाइजेशन पूछा गया है। इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता, पेट भरा भरा महसूस होता है, ये एंजाइम के स्रावण में कमी, व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता, अधिक भोजन और मसालेदार भोजन करने के कारण, तेल मसाले वाले ज्यादा भोजन, व्यग्रता मतलब फटाफट बेचैनी में खाना खाना, प्रॉपर बच्चों एंजाइम का स्रावण नहीं होना, इससे फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको इनडाइजेशन कहते हैं। चलो अगला जो पैराग्राफ है, ये बच्चों नई एनसीईआरटी में यहां दे दिया, पुरानी एनसीईआरटी में वही लास्ट में सप्लीमेंट्री मटेरियल में, ये दो इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है बच्चों, पीईएम बहुत बार क्वेश्चन बने इनके, और पीसीएम, कल मैं अगले लेक्चर में इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कराऊंगा, वहां दो तीन बार ये क्वेश्चन आया हुआ मिलेगा। पीईएम प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण विकार, पीईएम पेम, पीसीएम प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, ऊर्जा का मापन किलो कैलोरी में हो रहा था ना, प्रोटीन कैलोरी, छोटे बच्चों में बच्चों कुपोषण, जब उनको प्रॉपरली भोजन या पोषण नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता, ये दो डिसऑर्डर के इंपॉर्टेंट नाम हम यहां डिस्कस करेंगे, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से। आहार में प्रोटीन और संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा, कुपोषण, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत समस्या है। ऐसे देश बच्चों जो विकसित तो क्या है, कम विकसित है, अभी तक डेवलपिंग कंडीशन में है, वहाँ ऐसे रोगों की, वहाँ के बच्चों में कुपोषण की चांसेस ज़्यादा होते हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज उनकी बात कर रहा है। सूखा, अकाल, राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से प्रभावित हो सकता है, भूखमरी, ये सब चीज़ें बच्चों, अकाल। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध और 80 के दशक में इथोपिया में भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है, ये अफ्रीकन कंट्री इथोपिया, इथोपिया वर्ड बच्चों आपके इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी आता है, इथोपिया, तंजानिया, हाँ वो ह्यूमन इवोल्यूशन की कुछ बोन्स वगैरह वहां मिली थी ना, बिल्कुल। तो पेम शिशु और बच्चों में प्रभावित करता है और मैरस्मास और क्वाशियोरकोर रोग उत्पन्न करता है, दो इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, मैरस्मास और क्वाशियोरकोर, मैरस्मास और क्वाशियोरकोर, इनका डिफरेंस सिंपली समझ जाना, जो प्रोटीन ऊर्जा की कमी से होने वाले दो डिसऑर्डर है बच्चों, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मैरस्मास, एक वर्ड लिखा मैंने क्वाशियोरकोर, सिंपली डिफरेंस बता रहा हूं मैं, मैरस्मास और क्वाशियोरकोर। अब मैरस्मास में बच्चों देख लो, बस जो मेजर डिफरेंस है ये तो अप टू 1 ईयर्स, एक साल तक के छोटे बच्चे में ये होता है, और मोर देन 1 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं उनमें ये होगा, मतलब नवजात शिशु ना बच्चों, एक साल तक के बच्चे में मैरस्मास और 2-3-4 साल वाले बच्चे में क्वाशियोरकोर। मैरस्मास में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है, दोनों की कमी, प्रोटीन की भी कमी और कैलोरी ऊर्जा की भी कमी, एक साल तक के बच्चों को अगर बच्चों मां का दूध नहीं मिले तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी। क्वाशियोरकोर में ध्यान रखना, इसमें ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है बेटा जी, किसकी कमी, प्रोटीन, इसमें एनर्जी या कैलोरी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ये मेजर डिफरेंस है। एक साल से कम, एक साल से ज्यादा वाले बच्चों को क्वाशियोरकोर, इसमें प्रोटीन एनर्जी दोनों का अभाव, उसमें केवल प्रोटीन की। अब इसमें वो 2-4 डिफरेंस और देख लेंगे, मैरस्मास में त्वचा के नीचे वसा का जमाव नहीं होता, मिली नहीं रहा मिल्क, इसमें त्वचा के नीचे फैट डिपॉजिट हो जाती है बच्चों, माँ का दूध तो नहीं मिलता लेकिन दूसरे आहार उसमें उपलब्ध हो जाते हैं वो। चलो अब अपन इसको एनसीईआरटी में बता देता हूँ, दोनों इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है मैरस्मास एंड क्वाशियोरकोर। तो मैरस्मास प्रोटीन और कैलोरी दोनों की एक साथ अल्पता से उत्पन्न होता है, इसमें प्रोटीन कैलोरी दोनों की कमी, यह विकार सामान्यतः 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं में पाया जाता है, इसका मुख्य कारण शिशु को मां के दूध के स्थान पर अल्प प्रोटीन और कम कैलोरी मान वाले आहार को देना है। तो मां के दूध की जगह अगर बच्चे को क्या दिया जाए, ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों कम है, दोनों का अभाव हो गया। इसका मुख्य कारण प्राय कम अंतराल में पुनः गर्भ धारण अथवा शिशु का जन्म होना है, जबकि बड़ा बच्चा बहुत कम आयु का होता है, मतलब 2 बच्चों के जन्म के बीच में अगर अंतराल कम है, पहला बच्चा 1 साल का, ये उसी दौरान अगर दूसरे बच्चे का जन्म हो जाए तो अंतराल कम होने से प्रॉपर फीटस को, इन्फेंट को बच्चों न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता।
मेरिस्मास में प्रोटीन अल्पता के कारण वृद्धि, मंद उत्तकों की प्रोटीन का विस्थापन, अत्यंत कृशकाय शरीर, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, त्वचा शुष्क पतली और झुर्रीदार हो जाती है। मतलब प्रोटीन बच्चों ग्रोथ के लिए आवश्यक है, प्रोटीन की कमी से शिशु की पूरी ग्रोथ नहीं होगी, हाथ पैर दुबले पतले, कृशकाय दुबला पतला शरीर बच्चों रह जाता है, कुपोषित जिसको हम बोल देते हैं। वृद्धि की दर और शारीरिक भार बहुत अधिक घट जाता है, ग्रोथ होगी नहीं तो बॉडी का वेट कम हो जाएगा। मस्तिष्क की वृद्धि और विकास भी बहुत अधिक मंद हो जाएगा, मानसिक क्षमता भी असंतुलित, वो दिमागी रूप से भी बच्चे क्या होंगे, कमजोर होंगे, प्रोटीन ग्रोथ के लिए अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा बेटा जी क्वाश्योरकोर, प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है, देख लो मेन डिफरेंस, इसमें कमी केवल प्रोटीन की, कैलोरी ऊर्जा की कमी नहीं है रे, जिसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं होती, जिसमें ये कैलोरी है बच्चों, ऊर्जा की कमी तो नहीं होती, प्रोटीन की कमी होती है लेकिन ऊर्जा की कमी नहीं होती, करेक्शन कर लेना। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, तो दूध की जगह ऐसा आहार दिया जिसमें कैलोरी तो उच्च है लेकिन प्रोटीन कम है, तो प्रोटीन की कमी हुई ना। मेरिस्मास की तरह ही क्वाश्योरकोर में भी मांसपेशियां लटक जाएगी, हाथ पैर पतले हो गए क्योंकि प्रोटीन की तो कमी है, प्रोटीन ही ग्रोथ के लिए आवश्यक है। वृद्धि और मस्तिष्क का विकास रुक जाएगा परंतु मेरिस्मास के विपरीत त्वचा के नीचे कुछ वसा जमी रहती है, क्वाश्योरकोर में उपत्वचीय वसा फैट डिपॉजिट रहती है परंतु शरीर के विभिन्न भागों में सूजन दृष्टिगोचर, तो क्वाश्योरकोर में बच्चों बॉडी में ओडिमा स्वेलिंग, इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड आता है ओडिमा, सूजन दिखाई देती है जबकि मेरिस्मास में ऐसा नहीं होता। क्लियर, दोनों इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर। लास्ट बेटा जी सारांश की बात करें, वैसे आप रीडिंग लगा लेना, उसमें एक दो कुछ नई लाइन है वो मैं वहीं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ, बाकी आप तो पूरी पढ़ लियो इसमें। एक तो बेटा जी ये देखो यहां से दे रखा है ये सारांश के नीचे से थर्ड लाइन कि अपचित भोजन त्रिकांत्र कपाट द्वारा वृहदांत्र के सीकम में प्रवेश करता है, इलियोसिकल कपाट मल को वापस नहीं जाने देता। इलियोसिकल नोट्स में तो यार वैसे बताया भी था मैंने आपको कि देखो ये सीकम, सीकम से ये जुड़ी हुई स्ट्रक्चर अपेंडिक्स थी बच्चों, और सीकम में छोटी आंत का लास्ट पार्ट कौन खुल रहा था, इलियम, तो इलियम और सीकम के बीच का जो कपाट है इलियोसिकल वाल्व, तो वाल्व भी स्फिंक्टर की तरह भोजन अपचित भोजन आ तो सकता है लेकिन वापस जा नहीं सकता, यहां दे रखा है इसको समरी में ये वर्ड। और एक ये चीज, अधिकांश जल बड़ी आंत में अवशोषित होता है, ये भी ध्यान रख लियो, बड़ी आंत का जो कोलन वाला पार्ट है उसमें बता रखा है अधिकांश जल का अवशोषण है, तो कुछ समरी में आपको नई लाइन मिल जाती है बच्चों, उसको भी अपन देखेंगे पढ़ेंगे। लास्ट इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से सही उत्तर छांटो, आमाशय के रस में क्या होता है, पहला ही कर दूं, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, आमाशय अम्ल में होते हैं ना, ट्रिप्सिन तो होता ही नहीं बच्चों, तो अग्नाशय रस में होता है। अगले क्वेश्चन पर आओ, सक्कस एंटेरिकस किसको कहा गया है, सक्कस एंटेरिकस बच्चों आंतरीय रस का ही दूसरा नाम क्या था, सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस। सेकंड मेष द कोलम मिला लो, बिलीरुबिन और बिलीबडीन किसमें होते हैं, पित्तवर्णक है, स्टार्च को तोड़ने वाला एमाइलेज है, वसा को तोड़ने वाला लाइपेज है, लार ग्रंथि पैरोटिड है, पैरोटिड जो कैसी थी, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। चलो प्रोटीन के पाचन में आमाशय के प्रोटीन ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन कर लियो, वैसे मनुष्य का दंत सूत्र पता ही है, सातवां पित्तरस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होते फिर भी पाचन के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, तो पित्त बच्चों वसा का इमल्सिफिकेशन पाइसीकरण करता है, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। आठवां भी अच्छा क्वेश्चन है, पाचन में काइमोट्रिप्सिन की भूमिका वर्णित करो, काइमोट्रिप्सिन अग्नाशय रस वाला प्रोटीन को पचाने वाला, जिस ग्रंथि से स्रावित होता है इसी श्रेणी के दो अन्य एंजाइम कौन से, तो काइमोट्रिप्सिन किस ग्रंथि से था, पैंक्रियाज, किसको बचाता है, प्रोटीन को, इसी श्रेणी को, प्रोटीन बचाने वाले दो एंजाइम कौन से हैं, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, बता रखे हैं बच्चों। दसवां अच्छा क्वेश्चन, यदि आमाशय में एचसीएल का स्त्रावण नहीं हो तो क्या होगा, बिना एचसीएल के वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सक्रिय नहीं होंगे और बिना उनके सक्रिय हुए आमाशय में प्रोटीन का पाचन नहीं होगा बेटा जी। ग्यारहवां, आपके द्वारा खाए गए मक्खन का पाचन और अवशोषण कैसे होता है, तो ध्यान रख लेना मक्खन तेल घी इनमें कौन मिलेगा, वसा, वसा की बात कर रहा है। आहार नाल ठीक है। तेरहवां बच्चों, थीकोडोंट और डाइफायोडोंट शब्दों की व्याख्या करो, तो जबड़े दांत जबड़े के खांचे में धंसे रहेंगे, थीकोडोंट जीवन काल में दो बार आएंगे, डाइफायोडोंट ठीक है। तो ये बच्चों अपने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर की कंप्लीट एनसीईआरटी।
लाइन टू लाइन हमने समझते हुए हर वर्ड की व्याख्या करते हुए इसको समझा है, जहां जहां कुछ इंपॉर्टेंट बातें लगी वो हमने एक्स्ट्रा में भी आपको बताई। तो मेरा पूरा एफर्ट है कि जो चैप्टर अपन एनसीईआरटी से पढ़ेंगे बेटा जी, उसमें पूरे नोट्स और की कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो भी मैं ऐड करता रहूं। जो हमने आज डिस्कस किया है इसमें बाहर से कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आना। आप इस चैप्टर को, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, सुनो और समझो। अपनी एनसीईआरटी में जो मैं साइड में कुछ वर्ड लिखता हूँ वो भी बेटा जी आप ऐड करते चलो। तो हमें नाम के आगे, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा जी, मिलते हैं मयंक सर आपको अगले लेक्चर में किसी एक नए एनसीईआरटी चैप्टर के साथ। अगले लेक्चर में वैसे तो इसकी जो वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है वो मैं लेकर आऊंगा, फिर कोई नया एनसीईआरटी का चैप्टर आप लोगों के लिए बच्चों अपन ओपन करेंगे। ठीक है, तो वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद।